डागुर्ज यूट्यूब चैनल के इस लाइव सेशन में मैं गजेंद्र सिंह कवि आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। राम राम, जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमसे जुड़ चुके हैं कैलाश चंद कुमावत, मनमोहन जांगिड़, सोमाल्या खान, अर्चना धाकड़, अंजलि जयमन, अनिल जयमन, संजू कुमारी, धर्मराज बेरवा, अनुष्का शर्मा, ऋतुराज, एपी राजस्थान, सत्य खबर, धर्मराज बेरमा सर जी जन्माष्टमी का व्रत खोलने को कौन सी सब्जी बनाते हैं, नाम बताना सर जी उस सब्जी का। थारे जिससे जी बना लीजिए ग्रामो उपलब्ध हुए है ना। राहुल सिंह टारगेट, बालकृष्ण, राधे राधे, रणवीर सिंह, अमित कुमार, कमलेश नारनोलिया, बालकृष्ण, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी, प्रधान गुर्जर, शिवा सिंह, जय श्री कृष्णा, प्रधान गुर्जर, बालकृष्ण, अमित कुमार गुर्जर, राधे कुमार, राहुल सिंह, बालकृष्ण, अमित, तेजल तपदारी, कमलेश जाट, गोविंद राम, अमित कुमार, धर्मराज, सोनू, मैं आपके नाम बोलूं पढ़ाऊं नहीं तब तक आप इसको शेयर करते रहो, उसके बाद में पढ़ाऊं तो आराम से शिद्दत के साथ केवल एक काम करना, पढ़ना इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। ओमाराम जानी, अमित कुमार गुर्जर, राहुल, संजू कुमारी, रवि जांगिड़, गोविंद, राहुल, सोनू बैरवा, लक्की हुड्डा जाट, सोनू संपत राम, सभी को राम राम भाई, ठीक है। धर्मराज बैरवा, बहुत सटासट, डॉक्टर कोमल गौड़, गोविंद राम, कविता चौधरी, महेंद्र जाट, खुशबू राजावत, रवि जांगिड़, राहुल, श्रीकांत, अक्षी, अमित, साक्षी, सोनल, अर्चु चौधरी, अर्चना सिंह, अनिल यादव, मुकेश यादव, ठीक है। सभी को नमस्कार। मैं लंबा सर को आपके बीच आमंत्रित करता हूँ, ये कुछ कहना चाहते हैं, आइए सर, लंबा सर आओ। वैसे लंबा नाम ही है, बाकी कद में देख लीजिए मेरे से छोटे हैं। कैसे दोस्तों, आज आपके लिए स्पेशल जो है अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल, आज जो है सबसे बड़े रशिया का जन्मदिन है, क्या बात है। तो कृष्ण भगवान के इस जन्मोत्सव को हम आपके लिए खास मनाने जा रहे हैं। तो आज जो है आपका 1 से 2 का सेशन बढ़ा के जो है 3 बजे तक कर दिया है, यानी आज कविया सर का जो सेशन है वो 2 बजे नहीं 3 बजे तक लाइव चलेगा। और ये आज आपको बहुत गाने सुनाएंगे, मतलब आज आपको पता चलेगा कि राधा ने कृष्ण से प्यार कैसे किया, वो सारे के सारे जो है राग यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगे। और सभी को बिल्कुल, बाल कृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं, कृष्ण साहब आप भी आ गए क्या, चलिए। तो सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल रहने वाला है, गाने भी चलेंगे आज। राम राम, सभी को राम राम। तो कृष्ण जन्माष्टमी अच्छे से मना सके ये बात पूरे राजस्थान में नहीं पूरे उत्तर भारत में पहुंचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको ये अनाउंसमेंट कैसा लगा, आई होप आपको मज़ा आया होगा। रीजनिंग की क्लास जो है कल आपको सेम टाइम पे मिलेगी और आज जो है 2 घंटे कविया सर के साथ मज़े लेते रहो, धुआं उठाते रहो। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेक्निकल टीम अभी उसको कमेंट बॉक्स पर भी डाल देगी। और डागुर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ और जो ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल वो सब मिलेगा। तो चलिए, मजा आ रहा हुआ तो मैं इस मजे को किरकरा नहीं करूंगा, कविया सर को जो है माइक सेट कर देते अपन, ठीक है। कविया सर जो है, कविया सर खुद ही सेट करने में माहिर, आप चिंता मत करो, और आज तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन है और अच्छी तरीके से सेट करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद लंबा सर। 2 घंटा की क्लास है तो मन तो फंसा दिया, मैं तो 1 घंटा की याद कर रहा हूँ, मन 2 घंटा कटे हूँ पढ़ा छूँ। चलो ठीक है दोस्तों, फिर भी करेंगे, अपने को तो देखो पढ़ाने के अलावा अपने को पास हजारों संसाधन प्रसाधन है जिनसे अपना आराम से 2 घंटे क्या 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे आराम से निकालेंगे। आपके कंपटीशन की तैयारी में भी बहुत ही फायदेमंद ये क्लास होगी, साथ आनंद और मस्ती भी होगी। प्रवीण जांगू हमसे जुड़ चुके हैं, हंस कैसे रहे हो, जय हो जय हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, सेट करो, ठीक है। सर जी दाढ़ी कटे गई, ये प्रश्न नहीं आएगा कि मेरी दाढ़ी कहाँ गई, है ना, बालों का नहीं ध्यान दें। हाँ
आइए तो दोस्तों आज दो घंटे की इस मैराथन क्लास में लेते हैं मजे आनंद और मस्ती के साथ चरण स्पर्श, ऑनलाइन चरण स्पर्श कर रहा है। अभी सोनल कह रही थी साथ जिम्बा को भी प्रोग्राम है के, तो जीमण का प्रोग्राम है 100% दाल बाटी चूरमा, ठाकुर जी की पंजीरी है, लेकिन जीमणा भी ऑनलाइन ही है। ठीक है, घर पे बैठे बैठे जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो वैसे ऑनलाइन ही जीमो। हाँ राधे राधे चिकने हो, अरे बावड़े अमित कुमार गुजर। ठीक है आइए, कल का दिन भी मिल ली आज फूफा जी धोक दूं, जीवता रोसा जीवता रोसा। और आज पढ़ते हैं अपन लोक देवता चल रहे थे और लोक देवता में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो जो छूट गए थे आएगा उन्हीं को आज जीवतो रहे बेटा जीवतो रहे नौरत राम। इंपॉर्टेंट एक बिंदु जिसको अपन पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिएगा, वो लोक देवता आज कृष्ण भगवान के जो भक्त भी हैं उनका भी अपन जीवन चरित्र पढ़ेंगे। अपने राजस्थान से तो ज्यादा कृष्ण के भक्त हुए कहाँ हैं, है कि नहीं? भले ही कृष्ण ने यूपी में जन्म लिया हो लेकिन अपनी कर्माबाई की छोटी सी गुहार पर उनको आना पड़ा। एकमात्र मीराबाई अपने राजस्थान में से भक्त हुई जिनको भगवान ने स्वयं अपने अंदर समा लिया। दुनिया में ऐसे बिरले ही उदाहरण देखने को मिलेंगे। आज अपन कर्माबाई को भी पढ़ेंगे, आज अपन मीराबाई को भी पढ़ेंगे और मैं भजन गा के भी सुनाऊंगा जो मेरा बेहद मेरा बहुत प्रिय है, थाली भरकर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की और जीमो मेरा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, क्योंकि वो श्याम धनी लगदातार का भी उसमें नाम है और कर्माबाई का नाम है। अपन पूरा मस्ती के साथ पढ़ेंगे आरजे सिंह मीरा, ट्रक ड्राइवर की राम राम कुलदीप कुमार, तो ट्रक ड्राइवर होकर के भी देखते हो क्या बात है यार। जितेंद्र कुमार टूटी हुई खाट पे बिछा है वोट का टाट, शाम मेरे आ जाओ क्या बात है यार। पढ़ाते हो जो मिलता नहीं मिल जाएगा गावलिया बाबा। ठीक है मेरा ननिहाल है मथुरा में, बहुत बढ़िया बात है, तेरा ससुराल भी वहीं पास में बरसाना में करेंगे मनीषा मेरा। आइए चलते हैं आज पढ़ते हैं प्रसिद्ध लोक देवता रावण मल्लीनाथ जी को, थोड़ा मार्कर की साइज कम कर लेते हैं। रावण मल्लीनाथ जी, बोलिए मल्लीनाथ जी महाराज की जय। उमाराम इसको कहा जाता है सिंह सपूता शायरा, सिंह सपूता सायरा और संतासु भरपूर, आ मरुदर माँ है डिगरी भारत मारो नूर। आ ये भारत माँ है हमारी, तो इस भारत की सबसे लाडली बेटी को इसी धरा है, वो मरुधरा की धरा है। इस पर क्यों लाडली है, क्यों सिंह पैदा होते हैं, सपूत जो पैदा होते हैं वो सिंह जैसे पैदा होते हैं। सिंह सपूता सायरा, सायरा कभी पैदा होते हैं और संतासु भरपूर, आ मरुदर माँ तो डिगरी और भारत मारो नूर। आइए दोस्तों आज पढ़ते रावण मल्लीनाथ जी को, किनको पढ़ेंगे, रावण मल्लीनाथ जी। रावण मल्लीनाथ जी के बारे में आप जानते होंगे, रावण मल्लीनाथ जी बाड़मेर के एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हैं और ओमाराम जानी के पड़ोसी लोक देवता हैं। ठीक है बेटा, रावण मल्लीनाथ जी का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम है गोपेड़ी, और गोपेड़ी का जिला कौन सा पड़ता है, बाड़मेर। यहां पर इनका जन्म हुआ था 1338 ईस्वी में। कब हुआ, 1338 ईस्वी में। तिलवाड़ा में इनका मंदिर है बेटा, चिकन चमेली लाग रहा मितान स्वेशन मजा मतले। इस गोपेड़ी के जागीरदार, जागीरदार का नाम था राव तीड़ा, राव तीड़ा। ये उस समय की बात है जब राठौड़ संघर्षमय जीवन जी रहे थे, उनकी कोई मुख्य राजधानी नहीं बन पाई थी, बड़ा क्षेत्र उनके पास नहीं था, और जो राव चूंडा था जिसने पहली बार मंडोर को राजधानी स्थापित की, वो राजधानी स्थापित भी क्या इंदो ने उनको दहेज में दी थी। आज भी एक दोहा प्रचलित है कि इंदारो उपकार कम दज कदे न बीसरे, इंदारो उपकार कम दज कदे न बीसरे, चूंडो चवरी चाड़ दी मंडोवर डाइजे। दोस्तों चूंडा की मंडोवर राजधानी स्थापित करने में भी जिसका श्रेय है, राठौड़ों का साम्राज्य स्थापित करने का जिस महापुरुष को श्रेय जाता है वो कौन है, रावण मल्लीनाथ जी। रावण मल्लीनाथ जी के पिता थे राव तीड़ा, जिनको सलखा जी के नाम से भी जाना जाता है। राव तीड़ा कह दीजिए, राव सलखा कह दीजिए। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था ज्ञानी दे,
क्या नाम था? जानीदे। इसी सलखा और जानीदे का एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। और यही मालदेव आगे चलकर जब धर्म और आस्था के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तलवार का मार्ग छोड़कर जब माला का मार्ग लेते हैं, उस समय में रावण मल्लीनाथ जी के नाम से पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध होते हैं। वास्तविक नाम क्या था इनका? मालदेव। आइए अन्य जानकारियां और प्राप्त करते हैं। रावण मल्लीनाथ जी, दोस्तों रावण मल्लीनाथ जी हैं, वो हैं माहेचा राठौड़ों के आराध्य देवता। कौन से राठौड़ों के? राठौड़ों की एक खाप है माहेचा, माहेचा राठौड़ों के आराध्य देवता। जैसे मेड़तिया, कुंपावत, चंपावत, माहेचा, ये राठौड़ों की खाप है, उन्हीं में से एक माहेचा राठौड़ है। और इन्हीं माहेचा राठौड़, ये माहेचा राठौड़ मल्लीनाथ जी के ही वंशज हैं, और ये अपने आराध्य देव के रूप में रावण मल्लीनाथ जी की पूजा किया करते हैं। रावण मल्लीनाथ जी राव तीड़ा के संतान थे, राव सलखा के संतान थे, लेकिन ये किसके पास चले गए? अपने चाचा, और चाचा का नाम था कानड़दे। कानड़दे सोनगरा, मत समझना कानड़दे सोनगरा जालोर का राजा है, ये कानड़दे राठौड़ हैं। और ये कानड़दे के पास चले गए, कानड़दे के पास रहे युद्ध कला सीखने के लिए, राजनीति सीखने के लिए। और ये कानड़दे जहां का शासक था वो कौन सी जगह है? माहेवा, या महेवा भी कह सकते हैं। और ये कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। अब साहब रावण मालदेव जी माहेवा रह रहे हैं, और माहेवा में रहते हुए ही ये राजकाज संचालन, युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी सारे सीखते हैं। हालांकि इस कानड़दे के जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था त्रिभुवंशी। क्या नाम था? त्रिभुवंशी। लेकिन संयोग देखिएगा, ये माहेवा में रहते हुए मल्लीनाथ जी एक अतुलनीय वीर बन जाते हैं, तमाम कलाओं में संपूर्ण हो जाते हैं। और संपूर्ण होने के बाद आसपास के क्षेत्र को धीरे धीरे अपनी तलवार का जोहर दिखाते हुए जीतने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या कि कानड़दे की मृत्यु के बाद कानड़दे के पुत्र त्रिभुवंशी और त्रिभुवंशी के छोटे भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें त्रिभुवंशी भी मारा गया और त्रिभुवंशी के अन्य भाई भी मारे गए। तब दोस्तों ये मालदेव जी ही, जिससे माहेवा की जनता बहुत प्यार करती थी, इनको बुलाया कि राड़ को तुम मेटो, समेटो और इस माहेवा की गद्दी संभालो। और दोस्तों इसी चाचा के उत्तराधिकारी बन करके मल्लीनाथ जी बन गए शासक। और ये शासक बने तो किसके उत्तराधिकारी थे? अपने चाचा कानड़ के उत्तराधिकारी। कहां के शासक बन गए? माहेवा के। माहेवा कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। ये बीच में मजे मत लो, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहो बेटा, कोई बात नहीं, आप बालकृष्ण नटकट नंदलाल से कम नहीं, जय हो, तुम भी आ जाना मेरे घर, आज तमाशा होगा, वेरी गुड। करणी माता की पावन धरा से गुड आफ्टरनून सर, मोहितपुरी, गुड आफ्टरनून, जय माँ करणी, नौरतराम, गोपियाना प्यारा, काना, अनुष्का शर्मा, ऋतुराज के रे, नीरू, गुरुजी धनबाद से, क्या बात है, कोई बाड़मेर से, अच्छा अच्छा जी, सर आपके दिमाग में कितनी जीबी मेमोरी है, अरे सब आपकी कृपा है, आपका प्यार है, आपके प्यार की बदौलत सब कुछ करना पड़ता है, जो हमें नहीं भी पता होता है वो ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, उनके बारे में डीपली किन्हीं विद्वानों से जानकारी ली जाती है ताकि मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। और आजकल तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें बुजुर्गों की भी इतनी रुचि हो गई है कि जिनको कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं वो भी ये वीडियो देख करके मुझे आशीर्वाद देते हैं, फ़ोन करके कहते हैं सर आपका वीडियो देखा बड़ा आनंद आया। ये सब उन बुजुर्गों का आशीर्वाद और दोस्तों आपका प्यार है जिस वजह से ये मेमोरी है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, बाबूजी महाराज की जय, गुड आफ्टरनून, जय। ठीक है, अब बात नहीं करेंगे। तो कहां के शासक बन गए? माहेवा के। माहेवा कहां पर है? बाड़मेर। और दोस्तों अब साहब ये वो मुहिम छेड़ते हैं कि मंडोर को किस प्रकार जीतना है। चूंडा को मंडोर में स्थापित करते हैं, नागौर की जीत करते हैं, मंडोर का राजा बना देते हैं चूंडा को। वो बनाने वाले कौन थे? रावल मल्लीनाथ जी। दोस्तों एक बार इस मारवाड़ पर और माहेवा पर आक्रमण किया
मालवा के सूबेदार और मालवा के सूबेदार का नाम निजामुद्दीन। तेरा तुंगा भाजिया माले सलखानी, आज भी कहावत चलती है, निजामुद्दीन को युद्ध में हराया। किसने हराया, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इसमें याद रखना, रावण मल्लीनाथ जी ने किसको युद्ध में हराया, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को युद्ध में हराया, क्योंकि इसने माहेवा पर आक्रमण कर दिया था। और ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1378 में, और 1378 में इसको बुरी तरीके से यहां से पराजित कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। और जब भाग गया, इनकी तगड़ी धाक पूरे मारवाड़ क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में बैठ गई कि कोई उद्भट वीर महावीर है तो रावण मल्लीनाथ जी हैं। चारों तरफ युद्ध लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता की लड़ाई चल रही है, भतीजे को राजा बना दिया, नागौर का युद्ध लड़ा। अब युद्धों में आप जानते हैं तलवार चलानी पड़ती है, तलवार में हजारों विपक्ष की सेना को, जो सैनिक होते हैं उनको मारना पड़ता है, खपाना पड़ता है। फिर ये किस प्रकार एकदम से आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते, आइए उस ओर अपन चलते हैं। मल्लीनाथ जी, ये लो साहब, इसका तो काम तमाम। किस प्रकार इन्हें रावण की उपाधि मिली, किस प्रकार क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। रावण मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी रूपा दे। क्या नाम था, रानी रूपा दे जी। और इन रानी रूपा दे जी को कहा जाता है मारवाड़ की बरसात की देवी। मारवाड़ के बाड़मेर क्षेत्र में जब बारिश नहीं होती है तो वे लोग किनकी पूजा करते हैं, रानी रूपा दे जी की करते हैं, मारवाड़ की बरसात की देवी के रूप में इनको माना जाता है। ध्यान देना, मल्लीनाथ जी की पत्नी रानी रूपा दे, एक पत्नी इनकी और थी, इनकी जो प्रथम पत्नी थी उनका नाम था चंद्रावल जी। इस प्रकार दो पत्नी है इनके, दोनों पत्नियां भी किस प्रकार से हुई, एक बहुत बड़ी स्टोरी है ये। मल्लीनाथ जी की स्टोरी अपन बाद में लाएंगे, बीच में छोटी सी अपन बात करना चाहेंगे। एक अलसी जी परमार थे। क्या नाम था, अलसी जी परमार। आप में से ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जिसने कभी जगदेव परमार का नाम सुना है, एक बार कमेंट करके लिखें जिन्होंने जगदेव परमार का नाम सुना है। अक्षित कोई तो होना चाहिए पंगा लेने वाला, आपस में बातें मत करो, इधर देखो, सॉरी सर आज फिर से लेट हो गया, कोई बात नहीं, कारतूस भी जिंदा यार तू आजकल गड़बड़ कर रहा है, पूरी क्लास नहीं लेता नालायक कहीं का। बताइए जगदेव परमार को कौन जानता है, कमेंट करें, अब करें कमेंट, आपस में कर रहे हैं वो सोनू दीदी रन्नू दीदी ये है, बताओ बताओ बताओ, देखे कौन जानता है। रूटी रानी, अरे रूटी रानी वो मालदेव जो जोधपुर का राजा था उसकी पत्नी थी, उमा दे भटियाणी थी वो, उनकी भी कथा कभी सुनाऊंगा, उनको भी बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, जिक्की में प्रश्न भी बहुत आते हैं उनमें से। दोपहर का राम, नहीं नहीं सुना सर। अरे बावड़ो, जगदेव परमार वो था जिसने अपनी भवानी कंकाली के सामने गर्दन काट के चढ़ा दी थी। जगदेव परमार ने अपनी भवानी के सामने, मां कंकाली के सामने गर्दन काट के चढ़ाती थी। जगदेव कंकाली का किस्सा राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, और अपने जो मारवाड़ी ख्याल है, कुचामणी ख्याल है, जो कुचामण निवासी लच्छी राम जी ने लिखा है, लच्छी राम जी ने तो जगदेव कंकाली का इतना गजब लोकनाट्य लिखा है जो कुचामणी का प्रश्न आते हैं इनमें से, है कि नहीं, सुना है सर ओमाराम कह रहा है, हाँ उसके वंश परमार वंश का था, उनके जो वंशज कुछ जो कुछ खेती करने लगे वो धाकड़ के नाम धाकड़ जाती है, वो भी अपने आप को जगदेव परमार का ही वंशज बताया करते हैं। नहीं सुना, अब मैं सुना दूंगा आराम से। अच्छा जाना है, अब जाना है, वो तो जगदेव कंकाली, हाँ तो उसी की तो बात कर रहा हूं मैं भी, तो जगदेव की बात कर रहा हूं बावड़े। अब सुनो ये अलसी जी, उसी के जगदेव ने जब कंकाली को अपनी गर्दन चढ़ाई थी तब उसने कंकाली ने कहा था कि मैं तेरे कुल में
हर पीढ़ी में जन्म लूंगी और जब तक जन्म लेती रहूंगी जब तक कि तुम हमारा विवाह नहीं कर दोगे। लगातार 6 देवियां भी जिनका विवाह नहीं हुआ, सचियाई माता जो ओस वालों की कुलदेवी वो भी इसी वंश में जन्मी थी, है कि नहीं, वाकल माता जो विरात्रा वाली है वो भी इन्हीं के वंश में जन्मी थी। अंतिम जो देवी इनके घर में जन्मी, जो इन परमार वंश में जन्मी, वो कौन थी? रूपादे, क्योंकि रूपादे का विवाह किसके साथ हो गया था? मल्लीनाथ जी के। लेकिन सेकेंड लास्ट अलसी जी की पुत्री थी जिनका नाम था लालर। क्या नाम था? लालर भाई। और बेटा अलसी जी कविता के बड़े शौकीन थे, जागीरदार थे। एक बार इनके पास अलसी जी को कविता सुनाने के लिए आए कुछ चारण। चारणों ने ऐसी कविता सुनाई कि मंत्र मुग्ध हो गए। अलसी जी ने वचन दिया कि बारेट जी मैं आपको काठियावाड़ी घोड़ी कविता पर प्रसन्न होकर काठियावाड़ी घोड़े भेंट करूंगा। अब साहब ये बुजुर्ग थे, इनके बेटे थे नालायक, धीरे धीरे ये बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग होने पर ये बिल्कुल मरने चले, लेकिन इनकी जीव अटका हुआ था कि मैंने चारण को वचन दिया है कि आपको काठियावाड़ी घोड़े भेंट करूंगा, अब क्या करूं? घाट पर पड़े थे उस समय लालर भाई ने पूछा कि पिताजी आपका जीव अटका हुआ किसमें? तो इन्होंने कहा कि बेटा मेरे बेटे तो हैं नालायक और मैं चारण को काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े कविता के उज में देना चाहता हूं, ये मेरा वचन पूरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तब लालर भाई ने कहा कि पिताजी आप तो आराम से स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो, मैं आपका वचन पूरा करूंगी और आपको काठियावाड़ी घोड़े लाकर दूंगी। अब साहब अलसी जी स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं और इधर लालर भाई चल पड़ती कहां के लिए? काठियावाड़ के लिए। बंगा नाम का जगह है, वहां से घोड़े लाने थे और इधर काठियावाड़ से घोड़े लेने के लिए कौन आ जाते हैं? मल्लीनाथ जी। लालर भाई ने क्या किया? मर्दाना वेश बनाया, पुरुष की ड्रेस पहनी और अपना नाम क्या रख लिया? लाल सिंह परमार। ये लो साहब मैं लाल सिंह परमार हूं। इधर से आए लालर भाई, इधर दोनों का बीच रास्ते में मिलन हुआ। दोनों ने इन्होंने परिचय दिया कि साहब मेरा नाम लाल सिंह परमार है, इन्होंने कहा मेरा नाम रावण मल्लीनाथ है, आप किस लिए जा रहे हो? बोले काठियावाड़ से घोड़े लेने के लिए, इन्होंने कहा मैं भी काठियावाड़ से घोड़े लेने के लिए। पुरुष के रूप में जान नहीं पाए महिला है। दोनों का मिलन हुआ, वादा हुआ कि जितने भी घोड़े अपन काठियावाड़ से लूटेंगे उनमें बराबर आधी आधी पाती की जाएगी, आधा आधा हिस्सा करेंगे, 10 घोड़े लूटेंगे तो 5 तेरे और 5 मल्लीनाथ जी के, 5 लाल सिंह के। अब साहब ये काठियावाड़ जाते हैं और यहां से घोड़े लूटते हैं 5। कई जगह तो ये भी खबर मिलती है कि 11 घोड़े थे, मैंने 5 घोड़े का सुना, 5 घोड़े लूट लिए। लूटने के बाद इधर लालर भाई और इन्होंने वहां से लगाई दुड़की, वहां से दौड़े और पीछे के पीछे काठियावाड़ की सेना आ गई। पीछे काठियावाड़ की सेना आई तो लाल सिंह जो बना हुआ था लालर भाई, इन्होंने कहा कि एक काम करो, ये जो पीछे से काठियावाड़ की सेना आ रही इसको मैं अकेला रोक लूंगा, आप बेहिचक इन घोड़ों को लेकर यहां से प्रस्थान करें। लाल सिंह वहां रुक गया। जैसे काठियावाड़ की सेना आई तो कहा देखिए इस सेना का सबसे कमजोर सैनिक मैं हूं, अगर आप मुझे हरा सकते हो तो देख लेना वो सेना, मैं तो सबसे कमजोर हूं, आप सोच सकते हो वो कैसे हैं। तो उन्होंने अपना एक भाला था, भाला एक जाड़ के वृक्ष में रोप दिया और कहते इस भाले को जो निकाल देगा वो मुझसे लड़ेगा। सारे वीरों ने प्रयास किया लेकिन वो जो जाड़ के वृक्ष में भाला रोपा गया था किसी के बाप से ही नहीं निकला। तो फिर कहा लाल सिंह ने, बोले मैं सबसे कमजोर हूं, मेरा रोपा हुआ भाला तुमसे नहीं उखड़ा, तो इस बाकी के सैनिकों का तुम क्या कर लोगे? वो घबरा कर काठियावाड़ के सैनिक वापस भाग गए। घोड़े 5। अब बात हुई कि बराबर मात्रा में बांटने, अब 5 का आधा कितना होता है? 2.5। दो दो घोड़े बांट लिए, 5वें घोड़े का क्या किया जाए? तो इस लाल सिंह ने अपनी तलवार निकाल के घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। बोले बोलो कौन सा हिस्सा लेगा, मल्लीनाथ आगे वाला हिस्सा लेगा या पीछे वाला? मल्लीनाथ जी ने आगे वाला हिस्सा लिया, लालर ने या लाल सिंह ने उसके हाथ लगाया, हाथ लगाते वो घोड़ा जिंदा हो गया और जो पीछे का हिस्सा घोड़े का जो इनके हिस्से में आया लाल सिंह या लालर भाई के, इन्होंने शेर का रूप धारण कर उसको खा लिया, आधा घोड़ा खा गए खुद। मल्लीनाथ जी डाफा चूक, यार ये इंसान है, वीर है, शेर है, चक्कर क्या है? उसको खाने के पश्चात वो स्नान करने गए थे, उस समय मल्लीनाथ जी ने उन्हें स्नान करते हुए देख लिया। तब इन्होंने कहा लाल सिंह को पता चल गया कि ये तो लाल सिंह नहीं, ये तो महिला है। तब पता चला कि लालर भाई स्नान करते हुए देख लिया।
लालर भाई ने कहा अब तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने मुझे स्नान करते हुए देख लिया और पति के अलावा पत्नी को इस अवस्था में कोई देख नहीं सकता। मल्लीनाथ जी ने कहा जो शेर का रूप धारण करके घोड़े को खा सकता है या खा सकती है इससे शादी करने की मेरी तो औकात नहीं है। तब इन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं मेरा ये वचन पूरा करना, ये जो घोड़े लाए हैं ये किसको देने हैं, बारट जी को देने, इसको देने के बाद में मैं यहां से प्रस्थान करूंगी और मैं जन्म लूंगी बद्रोजी के घर और इन्हीं बद्रोजी की पुत्री के रूप में फिर जन्म होता है किसका, रानी रूपा दे का। ये रूपांदे बचपन से आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, कई चमत्कार है, लंबी कहानी कभी ऑफलाइन में बैठेंगे तो अपन करेंगे, अपन तो डायरेक्ट जीके की तैयारी कर रहे हैं जो अपने परीक्षाओं में आते हैं। इन रूपांदे जी के गुरु बन गए और गुरु जो बने उनका नाम था उगमसी भाटी। ये हरजी भाटी के पिताजी थे, हरजी भाटी का तो नाम जानते ही होंगे जो बाबा रामदेव के अनन्य भक्त थे, उनके पिता उगमसी भाटी, ये उगमसी भाटी बन गए इनके गुरु। और गुरु बनने के बाद कहा कि रानी रूपांदे तू भले ही राजपूत की पुत्री है लेकिन तुझे रोजाना 7 घरों से भिक्षा मांगनी है और 7 घरों से भिक्षा लेने के बाद जो भी मेरे शिष्य हैं, दोस्तों इनके शिष्यों को जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था, कापड़िया, कापड़ियो हिंगलाजरो हेमाड़े गलियो है, ये शिष्य कापड़िया, इनको 7 घरों से भिक्षा मांगकर तू रोजाना भोजन कराएगी। रूपांदे जी ने नियम बना लिया, रोजाना 7 घरों से भिक्षा मांगती एक राजपूत घर में जन्म लेकर के भी और कापड़ियों को भोजन कराती और आखिर में इनकी शादी किनके साथ हो गई, मालदेव जी के साथ। लेकिन मालदेव जी की रानी होकर के भी वो तो 7 घरों से भिक्षा मांगती और 7 घरों से भिक्षा मांगने के बाद भोजन किनको करवाती, इन कापड़ियों को करवाती। बस आध्यात्म में ध्यान, आध्यात्म में ध्यान। याद रखना जब रूपांदे जी का मल्लीनाथ जी के साथ विवाह हुआ तो ये दहेज में कुछ चीजें लेके आई थी, ये इंपॉर्टेंट अपने जीके की दृष्टि से। एक लेके आई थी गंगाजल घोड़ा, गंगाजल घोड़ा दहेज में। एक गाय थी जिसका नाम था पाडल गाय, क्या नाम था, पाडल गाय। और एक धारू मेघवाल आदमी था ये। ये दहेज में जब इन्होंने मांगा तो इनके पिताजी ने कहा कि ये भी दे सकता हूं, ये भी दे सकता हूं, ये कैसे दूं, तो कहा कि आप तो जाके निवेदन करोगे, भाई साहब ने कहा। तो ये धारू मेघवाल जो रूपांदे जी का गुरु भाई था, क्या था, गुरु भाई, यानी कि ये धारू मेघवाल उगम सिंह जी का चेला था और ये भी उगम सिंह जी के चेले थे, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हुई। नेट की चाले काई करूं रूपांदे, बारिश की देवी माँ कुछ करो, गोपियारा प्यारा काना, बिल्कुल बारिश होगी, रूपांदे जी को प्रार्थना करो, बाढ़ में अकाल कहाँ है भाई, नहीं है ना, कोई बात नहीं होगा, 100+ लाइक 45 हो जाएंगे। आप तो इन लाइकों की इनकी चिंता मत करो, अपने को बच्चों का भविष्य बनाना, ये लाइक करें चाहे नहीं करें, ये अपने को नालायक समझे तो समझें, लेकिन इनका भविष्य तो बन रहा है ना, अपना धर्म है इन बच्चों का भविष्य बनाना, अपना धर्म ये नहीं है अपना लाइक प्राप्त करें, लाइक नहीं करेंगे तो भी अफसर बनेंगे और अफसर बनने के बाद अपना गुण मानेंगे और अपनी पढ़ाई से अफसर नहीं बने तो अपने पढ़ाने का क्या सार्थक हुआ, ठीक है। अनिल जैमन आइए, याद रखना रूपांदे जी जो दहेज में लेके आई थी गंगाजल घोड़ा, पाडल गाय और धारू मेघवाल, ये 3 लेके आए थे। अब अगर प्रश्न आ जाए आपके, जैसे प्रश्न आते हैं ना, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन, बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काड़वी है कि नहीं है, देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर, वैसे ही मल्लीनाथ जी का प्रश्न आ गया अपनी जीके में कि मल्लीनाथ जी के घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़े का नाम क्या करोगे, गंगाजल, क्या करोगे, गंगाजल। अब दोस्तों इस प्रकार मल्लीनाथ जी, अब वो क्या हुआ, इनकी पत्नी 2, एक का नाम रानी रूपांदे, लेकिन इनकी जो मुख्य पटरानी थी उनका नाम था चंद्रावल जी।
ये चंद्रावल जी इनसे जलती थी और ये रानी रूपांदे हमेशा क्या करती थी, यहाँ पर ससुराल जो जहां पर था माहेवा में, वहां उगम सिंह भाटी जी आए तो इनके जम्मे में जाया करती, जम्मे का मतलब होता है रात्रि जागरण, और रात्रि जागरण में छुपके जाया करती थी। इस बात की चंद्रावल जी ने अपने पति को कह दिया कि ये तो रात को वहां जाती है, वहां ना जाने किस प्रकार की साधना होती है। बड़ी बड़ी बातें भी अपने लंबी स्टोरी, इस स्टोरी में नहीं जाकर अपने सीधा जीके की तरफ चलते हैं। आइए, मल्लीनाथ जी के घोड़े का नाम गंगाजल, पत्नियां दो, एक का नाम रानी रूपांदे, एक का नाम चंद्रावल जी। अब साहब जब इनकी साधना मल्लीनाथ जी ने देखी तो मल्लीनाथ जी भी प्रभावित हुए और मल्लीनाथ जी महाराज ने भी अपना गुरु किसको बना लिया, उगम सिंह भाटी को। किसको? उगम सिंह भाटी। तो दोस्तों ये उगम सिंह भाटी मल्लीनाथ जी के भी गुरु थे और रानी रूपांदे के भी गुरु थे। बालकृष्ण का नाम ले लो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय श्री श्याम। माँ सरस्वती का अर्जुन जी सर, प्रवीण जांगू चैंपियन, मुकेश मीणा डुक किसके दे रहा है। अब दोस्तों ये आगे चलते हैं। इस प्रकार अब जब उगम सिंह भाटी से इनका मिलन हुआ तो कहा कि मल्लीनाथ जी कुछ नहीं पड़ा इस मारकाट और युद्ध करने में, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कीजिए, अपनी पत्नी से प्रेरणा लीजिए। और अपनी पत्नी से प्रेरणा वाकई में इन्होंने ली और लेने के बाद इन्होंने एक पंथ बनाया जिसका नाम कुंडा पंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडा पंथ की स्थापना किसने किया, अपने कान्हा का नाम ले लो, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, कुंडा पंथ की स्थापना की। बोलिए कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की। और आखिर मल्लीनाथ जी का जिस जगह तपस्या करते हुए देहांत हुआ वहीं पर बन गया इनका मंदिर, और मंदिर कहां है, तिलवाड़ा। कौन सा गांव, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां है, बाड़मेर। और इसी तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के जितने भी संत थे उनको बुलाया था, सभी संतों का सम्मेलन करवाया। बताइए मारवाड़ के सभी संतों का सम्मेलन किस लोक देवता ने करवाया, मल्लीनाथ जी ने करवाया। कहां पर करवाया, तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहां पर है, बाड़मेर में। और इसी तिलवाड़ा में लगता है मालाणी पशु मेला। मल्लीनाथ जी की याद में दोस्तों जो मेला लगता उसका नाम क्या है, मालाणी पशु मेला। किस महीने में लगता है, चैत्र में। चैत्र के कृष्ण पक्ष की 11 से शुरू होता है और चैत्र की शुक्ल पक्ष की 11 तक ये मेला चलता है। बोलिए मल्लीनाथ जी महाराज की जय। आप इतना सा ध्यान रखना, मालाणी, मालाणी किसकी नस्ल है, घोड़ों की। इसलिए मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी किसके देवता हैं, घोड़ों के देवता। राजस्थान में घोड़ों के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है, मल्लीनाथ जी की। ऊंटों के बीमार होने पर बाबू जी की, और घोड़ों के बीमार होने पर किसका नाम बताओगे, मल्लीनाथ जी को। दोस्तों मल्लीनाथ जी घोड़ों के देवता हैं, इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की, इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तिलवाड़ा में इन्होंने मारवाड़ के सभी संतों का सम्मेलन करवाया, इन्हीं की याद में तिलवाड़ा में मालाणी पशु मेला लगता है जो चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र कृष्णा चैत्र शुक्ला एकादशी तक लगता है। इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम से बाड़मेर के कुछ हिस्से का नाम क्या पड़ा, मालाणी। और आज भी इस मालाणी के नाम से एक रेलगाड़ी भी चलती है, मालाणी एक्सप्रेस। बोलिए मल्लीनाथ जी महाराज की जय। हाँ अलाव जी खुश रहो, खुश रहो घोड़ों का देवता। हाँ अलाव जी जीवता रो, मौज करो और मतीरा फोड़ो। लाई गुरु जी ढोक। अब ये बताओ दादा का लाडला सुरेंद्र, सभी दादा के लाडले होते हैं, दादी का भी लाडला होता है। अब ये बताओ मल्लीनाथ जी में से क्या पूछना आपको, कुछ पूछना तो पूछो। रतन खिड़िया पूछ भाई, लाइक एंड शेयर। मालाणी दिल्ली एक्सप्रेस, मेहाजी मांगलिया का जन्मोत्सव,
अरे शाबाश, आज ही मेहोजी की अष्टमी है, जो मांगलियों के आराध्य देवता हैं मेहाजी महाराज का, आज ही के दिन त्योहार है। आज अपन जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन जो मांगलिया राजपूत हैं, मांगणियार मुस्लिम हैं, लंगा मुस्लिम हैं, जो उनको पूजते हैं, वो आज मेहोजीरी आठम के नाम से, आज बापिनी जो गांव है, आज ही के दिन वहां मेला भरता है। अभी तो कोरोना की वजह से सारे मेले स्थगित हैं, लेकिन मेहोजीरी आठम का त्यौहार है, आज ही वहां मेला भरना था। और कल दोस्तों अपना बहुत बड़ा त्यौहार है गोगा नवमी, और कल ही के दिन गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति भी बनाकर पूजा की जाएगी। सर जी, डूंग जी जवार जी पढ़ा दिया क्या? पढ़ा दिया बेटा, डूंग जी जवार जी मिल जाएगा, देख लेना लिस्ट में, कुछ नहीं पूछने को। सर ये राधा कृष्ण कहाँ से आ गए आज ही? तमाशा मैं आऊंगा, बोलो गोगा जी महाराज की गर्भवती बोड़ियों की जात कहाँ लगाई जाती है? ढांगी टीले पर, सुरेंद्र वर्मा ढांगी नाम का जो टीला ना, धर ढांगी आलम धनी पर गढ़ लूणी पास, इसीलिए उसको मालाणी नस्ल के घोड़ों की जन्मस्थली कहते हैं। सर जी कल कवि सम्मेलन, कल नहीं हो, अब करेंगे उसको 15 अगस्त को। जाम्बेश्वर जी का जन्म, वेरी गुड गोपाल विष्णु, बिल्कुल सही कह रहे हो, जाम्बेश्वर जी का जन्म दिवस। हाँ जन्माष्टमी भी है कल, बिल्कुल। हाँ गोगा नवमी परसों है, आज पूर्व पर अपन कर रहे हैं ना, तो कल आज अष्टमी है, सप्तमी है। सर टेलीफोन ही को नहीं उठाओ, राकेश कुमार शर्मा कर लीजिए भाई, देख टाइम नहीं रहता, फुर्सत नहीं होती, इसलिए। अब तुम तो देख लेते हो कि यार ये गुरुजी बस 1 घंटे पढ़ाने के बाद सारे दिन ही फ्री रहते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, लुगाई को भी संभालना होता है, बच्चों को भी प्यार देना होता है, घर में भी अन्य काम होते हैं, मम्मी पापा का भी ध्यान रखना पड़ता है, रिकॉर्डिंग भी करते हैं आपके ऐप के लिए, जो आपने ऐप भी डाउनलोड किया होगा ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी 3 3 4 4 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके अलावा आजकल लाइव कवि सम्मेलन का वो चलता है कि आज उस पेज पर, आज उस चैनल पर, आज उस चैनल पर वो लाइव कवि सम्मेलन आजकल वो जूम ऐप के माध्यम से करते हैं, वो भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी व्यस्तताएं रहती हैं। फोन नहीं भी उठाऊं तो नाराज मत हुआ करो, ठीक है? फिर भी मेरे को टाइम मिल जाता तो मैं कर देता हूँ। माला जाल में रूपांदे जी का मेला लगता है, रविंद्र चारण माला जाल नाकोड़ा में इनका मंदिर, देखो इनका मंदिर तिलवाड़ा में भी है, इनका मंदिर जसोल में भी है रानी रूपांदे जी का, और इनका मंदिर तिलवाड़ा में भी है, जसोल में भी है, माया जाल में भी है कि नहीं? ऐसा है, जन्माष्टमी आज और कल दोनों दिन है। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। ये कह रहा सर हैंडसम लग रहे हो, तो तू मेरे को देखने आता है पढ़ने आता है? ऐसा मत कराया करनी, मेरी लुगाई भी देख रही है आज, वो बोल रही थी मैं देखूंगी, और वो देख रही है, तुम हैंडसम हैंडसम बोलोगे तो वो वहां पर बैठी बैठी तड़पेगी, और जाते शाम को लेकर बेलन और वो महारण चंडी मेरी छाती पर सवार हो जाएगी, मेरे प्राणों का भक्षण कर लेगी। इसलिए दोस्तों ऐसी बातें नहीं करना, कैरम बोर्ड भी खेलना है, तेरा भला हो जाए। किस लोक देवता का भोपा का वंश नहीं चलता, मैंने पढ़ा दिया सारी बात, मेहा जी मंगलिया का जसोल में है, भाद्र कृष्णा सप्तमी है आज, चूरमा खाने ताई बुला रिया छो। हाँ मल्लिनाथ जी के पुत्र का नाम क्या था? मल्लिनाथ जी तो आध्यात्म के क्षेत्र में उतर गए थे, और इनके जो भतीजे भी है वो बहुत प्रसिद्ध देवता भी है। हाँ भाई झुंझुनू से राम राम, आओ उन भतीजे की तरफ चलते हैं, ये अच्छा याद दिलाया, पसंद भी आता है। हे तलरिया मलरिया रे मोरू भाई लारे रे या, कोई आयो रे धोरा वालो दे। शिवा सिंह कैसे हंस रहे हो? शिवचरण शर्मा बोलिए, तल्लीनाथ जी महाराज की जय। आज बीच में कोसा मत करना, घंटे 2 की क्लास है, आप आराम से चलने देना। अब क्या निकाल के ले जा रहे हो यहां से? अच्छा छाछ की थैली। ये मल्लीनाथ जी के भतीजे थे, क्या थे? भतीजे दोस्तों, मल्लीनाथ जी के छोटे भाई थे, और मल्लीनाथ जी के छोटे भाई का नाम था बीरमदेव। क्या नाम था? बीरमदेव। बीरमदेव जालूर वाला मत समझ लेना, इसी बीरमदेव के क्या थे? ये पुत्र थे। इसी बीरमदेव का एक पुत्र और था,
वीरमदेव का जो ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? राव चूंडा। ये वो राव चूंडा है जिसने मेवाड़ वाले चूंडा को विषम बनने पर मजबूर कर दिया था। इसी की बेटी थी हंसाबाई, है कि नहीं? हंसाबाई वाला वो चक्र सबने पता है। और इसी राव चूंडा का बेटा था रणमल, है कि नहीं है? इसी चूंडा का पोता था जोधा। तो ये जो राव चूंडा मंडोर को पहली बार शासन स्थापित करता है, इसी को कहा जाता है राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक। राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो कौन था? राव चूंडा, जो किसका पुत्र था? बीरमदेव का। और बीरमदेव के बड़े भाई थे मल्लीनाथ जी। और इसी बीरमदेव के जो पुत्र हुए, जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उनका नाम क्या था? तल्लीनाथ जी। ये जो बीरमदेव है, इस बीरमदेव की हत्या सिंध के सुमरा ने कर दी थी। सिंध का शासक था जिसका नाम क्या था? सुमरा। इस सुमरा ने की, बताइए सिंध के किस शासक ने इसकी हत्या की? सुमरा ने। अब साहब चूंडा तो अपने राजपाट में संभल गया, लग गया, लेकिन तल्लीनाथ जी ने सौगंध खा ली कि मैं इस सुमरा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। किस प्रकार बदला लेता है, आइए चलते हैं। तल्लीनाथ जी बाद में इनका नाम पड़ा, जब ये राजा के पुत्र थे, राजपाट में दक्ष थे, उस समय इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, वो इनका वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ था। क्या नाम था? गोगादेव राठौड़। और यही गोगादेव राठौड़ आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तल्लीनाथ जी से। जगमाल किसका पुत्र है जो गिंदोली को उठा लाया था? जग केता जगमाल, वो तल्लीनाथ जी शेरगढ़। बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हो, शेरगढ़ के ही राजा थे सुमरा। गुरु जी ओ गोछो काई हो वैसे बताओ नहीं, गांगदेव नहीं, ये किताबों में गांगदेव ही मिलेगा, सही नाम गोगादेव राठौड़ था। अब ये गोगादेव राठौड़ में इतनी ताकत थी कि ये तलवार के एक ही वार जब करता जितने वो तलवार टूट जाया करती थी। तलवार टूट जाया करती थी तो दोस्तों ये परेशान होगा कि मेरे तो एक ही झटके में तलवार टूट जाती, मैं पिता की हत्या का बदला कैसे लूं। तो इनके गुरु थे, गुरु का नाम था जालंधरनाथ जी। क्या नाम था? जालंधरनाथ जी। दोस्तों इन्होंने जालंधरनाथ जी की तपस्या की और इन्हीं जालंधरनाथ जी ने इनको एक तलवार भेंट की, बीजलसार की। आप में से कौन कौन है जो बीजलसार की तलवार जानते हैं, एक बार कमेंट में लिखे हैं बीजलसार की तलवार। सर मैं खेजड़ी पे चढ़कर क्लास देख रहा हूं, नमस्कार गुरुदेव, जीवन बोध भारतीय रे यार, क्या बात है, तू मंदिर के शिखर पर बैठा, यूं समझ ले सबसे पावन चीज है खेजड़ी, उस पर बैठे हो। जालंधरनाथ जी, राधे राधे। तलवार बीजलसार की तलवार क्या होती? दिनेश सोनी, जय खाटू श्याम जी के गुरु, बहुत बढ़िया भाई, जीवन बहुत तेरा ये समर्पण है, ये रंग लाएगा और एक दिन निश्चित रूप से तुझे सफलता मिलेगी। आज जो तू संघर्ष कर रहा खेजड़ी के पेड़ पर बैठ करके देख रहा है, एक दिन जब तू निकलेगा, तेरी सवारी निकलेगी, तेरा लवाजमा निकलेगा कि साहब निकल रहे हैं, अफसर निकल रहे, कलेक्टर साहब, तब तेरे को दोनों तरफ से खेजड़ियों पर चढ़कर, इल्डू पर चढ़कर, सफेदे पर चढ़कर, छतों पर चढ़कर के पूरे गाँव की, मोहल्ले की, शहरों की महिलाएं तेरे को देखेंगी। राम राम भाई शिवराज मीणा, कौन जाना मैं तो नहीं जाना, अरे यार कमाल करते हो, प्रवीण जांगू, गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे बेटा, शिवराज एलावत, एग्जाम गाइड, अन्नपूर्णा माता किसको कहते हैं, शीला माता, जमवाई माता। मेरे दोस्तों जमवाई माता को भी अन्नपूर्णा कहा जाता है, और बिरवड़ी माता जो है ना सिसोदियों की आराध्य देवी, उनको भी कहा जाता है, और शीला देवी को भी कहा जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, जमवाई माता भी अन्नपूर्णा है, क्योंकि उसने उनका अन्नपूर्ण किया था, किसका? दूल्हे राय का। खेजड़ी की सांगरी मत उतारना, आजकल गजेंद्र सर का लाडला भी है यहां पर खेजड़ी पर, आजकल कहां सांगरी है, खोखा भी नहीं है अब तो, सांगरी पकड़ने के बाद खोखा होता है, वैसे खोखा एक खोखा का मतलब होता है 1 करोड़। खेजड़ी वाला गप्ट होके, तेरे को क्या पता, 1 खोखा का मतलब होता है 1 करोड़। अपन लोग तो हजारों खोखे खा जाते हैं डेली के,
है कि नहीं? खोखा किस किसी ने कहा है सर, कदे तलवार ही कौन देगी सोनल चौधरी, है तेरा भला। हाँ तू सोनल चौधरी, तेरे को तलवार से क्या लेना, तू तो चक्कू रख, तेरे को तो सब्जी काटनी है, तो कलेक्टर भी बन जाएगी तो घर पे सब्जी काटनी पड़ेगी तेरे को, तेरे हस्बैंड है उनको तलवार से कटार से लेना देना, तेरे को क्या लेना देना। जिस तलवार के ऊपर बिजली गिर जाती है, कहते किसी भी धातु के ऊपर बिजली गिर जाओ उसका धातु परिवर्तित हो जाता है, किसी के बाप के नहीं समझ में आता ये कौन सा धातु है, और जिस तलवार के ऊपर बिजली गिर गई उसका धातु परिवर्तित हो जाता है, वही तलवार क्या कहलाती, बिजलसार की तलवार। मारवाड़ी में बोलो सर, सर मैं आपका इंटरनेशनल विद्यार्थी हूँ, शिवचरण शर्मा कह रहा, दुबई से देख रहा हूँ, क्या बात है। लेकिन स्मार्ट और वैष्णव धर्म में दो दिन की बात है, मैंने खाया, क्या खाया, खोखा, आपकी मनोकामना खोखा कोनी गरवेड़ा लागा है। अब की बार तो अभिज्ञान कोचिंग जयपुर ही ऐसा ही हुआ है, और कहते हैं ना काल खांगड़ा समत सांगरी, समत अच्छा जमाना होता है तब होता है। अब ध्यान देना, अब ये तलवार ले ली दोस्तों, ये तलवार वाकई में इन्होंने तलवार से एक खेजड़ी के ऊपर वार किया, देखने के लिए खेजड़ी एक ही झटके में कट गई, और उनको पश्चाताप हो रहा है मेरी तलवार से मैंने खेजड़ी पर चलाई, खेजड़ी गिरने वाली थी, और जालंधर नाथ ने देखा कि ये तो दुख हुआ है खेजड़ी, उसने कहा रुक जा, वो खेजड़ी वहीं पर रुक गई। आदि कटी भी कहते हैं वो आज भी शेरगढ़ में खड़ी है। यही तलवार लेकर इस गोगा देव राठौड़ ने सिंध के सुमरा को मारा, सिंध के सुमरा को मारकर पिता की हत्या का बदला लिया, पिता की हत्या का बदला लिया। किसने लिया साहब, पिता की हत्या का बदला लिया गोगा देव राठौड़ ने। अब साहब जब ये पिता की हत्या का बदला ले लिया, इसके बाद में इनका उद्देश्य पूरा हो गया, और तल्लीनाथ जी ने देखा यार अपने से खेजड़ी कट गई थी, और गुरु के आदेश पर उसको बचाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए दोस्तों जैसे मल्लीनाथ जी को घोड़ों का देवता कहते हैं, इन्हें कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण का देवता। बताइए पर्यावरण संरक्षण का देवता कौन, पर्यावरण संरक्षण का देवता कहते हैं तल्लीनाथ जी को। किसको कहते हैं, तल्लीनाथ जी को। तल्लीनाथ जी को क्या कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण का देवता। और पर्यावरण संरक्षण के देवता तल्लीनाथ जी को एक अन्य नाम से और जानते हैं, वो कहते हैं ओरण का देवता। किसका देवता, अब छोर छोरो ये बताओ ओरण कौन कौन जानता है, ओरण का, ओरण का अर्थ क्या होता है। सर हम ननैया से देख रहे हैं सात समंदर पार, क्या बात है, नैनिया या केनिया, जंबो जी भी हैं, गुड आफ्टरनून तल्लीनाथ जी। वो बेटा पर्यावरण वैज्ञानिक संत हैं, मितांश वैष्णव जंबो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहते हैं, इनको पर्यावरण संरक्षण का देवता कहते हैं। आपका फेवरेट गीत सुना दो, थाली भरकर ले आई खिचड़ो, आपके पुराने स्टूडेंट सुनना चाहते, सुना देंगे, सुना देंगे। मेरे जगदीश दायल पर्यावरण वैज्ञानिक संत जांबू जी महाराज, पर्यावरण संरक्षण के देवता तल्लीनाथ जी। ओरण गोचर भूमि, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, मैं जानता हूं तो बता दे भाई, शेरगढ़ की जगह जोधपुर जिले में, शेरगढ़ जाना चाहो गोवंश के लिए, माया से नहीं पूछ रही अभियान में, नहीं तो फिर यहां थोड़ी आता, वहां पढ़ाता तो गोचर भूमि थोड़ा ठीक उत्तर सही सा है लेकिन एकदम सही नहीं है। शिवम चौधरी, जगदीश दायल, देखो ओरण, ओरण है मारवाड़ी का शब्द, ये ओरण संस्कृत के जिस शब्द से बना है उसका है अरण्य। किससे बना है, अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, क्या होता है, जंगल। लेकिन आपने कभी भी नहीं सोचा, ये सुना नहीं होगा ना कि जो संरक्षित जंगल होते हैं जिनको सरकार प्रोटेक्शन करती है कि यहां शिकार नहीं कर सकते आप, यहां पर पेड़ को नहीं काट सकते, वो ही क्या कहलाते हैं, अरण्य। और इसी अरण्य को अपन ने थोड़ा बड़ा करके क्या कर दिया, अभयारण्य। ऐसा अरण्य, अभय धन अरण्य, एक शब्द क्या है, अभय,
एक शब्द क्या है अरण्य, जिसमें रहने वाले भय का मतलब है बिना डर के, जिस जंगल में पेड़ और जानवरों को जो रहते हैं उस जंगल में उनको कोई डर नहीं हो, उनको डर नहीं हो, ऐसा जंगल क्या कहलाता है अभयारण्य, ऐसे को अपने क्या कहते हैं ओरण। तो ओरण का डायरेक्टली अर्थ क्या हो गया, वह जंगल जिसमें शिकार करना और पेड़ काटना दोनों मना है, केवल और केवल आप पशु चरा सकते हो। तो सरकार की द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है, और आजकल तो क्या कानून बना दिया जाता था, पहले क्या करते थे धर्म के नाम पर छोड़ते थे कि ये साहब ये 5,000 बीघा का जीण माता का ओरण है, इसमें कोई शिकार करेगा या पेड़ काटेगा उसको जीण माता पाप देगी। इसीलिए कभी भी देखो अगर मंदिर के आसपास छोड़ी गई वह जमीन जिसमें से अपन पेड़ भी नहीं काट सकते, जानवर का शिकार नहीं कर सकते, उसी को क्या कहते हैं ओरण कहा जाता है। केवल और केवल अपन बालकृष्ण कह रहा सर जी अभी मत सुनाना मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है तू चार्ज लगा ले, है कि नहीं। हेलो आर के माया दी आप कहां से हो, देशनो करणी माता का ओरण कहीं भी देख लो, अब वो करणी माता के ओरण में क्या पेड़ काट सकते हो, झाड़ी के कोई नहीं काट सकता, शिकार नहीं कर सकता, क्या जीण माता का ओरण बहुत बड़ा है। अरे फतेहपुर का जो बीड़ है, फतेहपुर सेकावाटी सीकर में बुद्ध गिरी जी महाराज के नाम पर छोटा हुआ, इतना विशाल बीड़ है, बीड़ भी कह देते हैं सेकावाटी क्षेत्र में, उनमें कोई नहीं कर सकता उनका शिकार, इसलिए वह देवी देवता के नाम पर छोड़ा गया जंगल, वह देवी देवता के नाम पर छोड़ा गया जंगल जिसमें शिकार करना और पेड़ काटना पूर्णतया निषेध है। अरे गजेंद्र सर का लाडला तू है कौन भाई, ये बता रहा नाम तो लिख दे यार एक छोटा सा। अच्छा राहुल सिंह टारगेट तू ही है क्या, ये एक बार नाम बता यार तेरे का। नागौर के सब गांव में ओरण है, बहुत अच्छी बात है भाई, बनी भी बोलते हैं इधर ढूंढाहाट में, तो बनी बोलते बनी, कोड़ा गए तो बनी में गए तो, ये जयपुर में एक जगह बनी पार्क सुना क्या कभी नाम, बनी पार्क, ऐसा पार्क जिसमें वो पहली बनी था, बनी यानी बन वो, तो इसलिए वो बनी पार्क बोलते थे। तो यहाँ जयपुर के तो कई लोग जाते हैं तो साहब माँ का पावना नहीं, मैं तो बनी दिखावा ले रखा सर, हमारी तरफ इसका दूसरा अर्थ हो जाता है। आओ चलो छोड़िए, तो बताइए ओरण का देवता और पर्यावरण संरक्षण का देवता किसे कहा जाता है, तल्लीनाथ जी को, तल्लीनाथ जी के गुरु को। अच्छा राहुल सिंह टारगेट है, ठीक है भाई। झुंझुनू का बीड़ भी, अरे कैसे नहीं देखा यार झुंझुनू का बीड़ तो बहुत शानदार है, देखा है बिल्कुल देखा है। बन्नी तारो बन्नू दीवानू ये गाड़ी फॉर्च्यूनर ल्यायो, अनुष्का कह रही हाँ मेरा रेट का सेंटर वहीं आया था, वेरी गुड, बहुत शानदार, ओरण वाली परिक्रमा, ओरण वाली परिक्रमा बहुत बढ़िया है, माँ के बीच है, हमारे गांव में, हमारे गांव में देव, एक ही बात है भारतीय जीवन बहुत, देवता के नाम पर छोड़ी गई भूमि देवभूमि, गुरु जी माखे भी छे गुचरो, वेरी गुड अलावत जी। औरण ओसियाँ के किसानों ने गोचर भूमि पर सेवन घास लगाने का बहुत ही अच्छा काम किया। अभी एक वो वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें हजारों ट्रैक्टर चल रहे थे, शायद वो नागौर का था यार, वो तो नागौर का था, वो गौशाला के लिए किया गया था। अब देखते हैं साहब तल्लीनाथ जी महाराज के मंदिर, एक वो वीडियो कहां का वायरल हुआ था रोमाराम, जिसमें खूब ट्रैक्टर चल रहे थे और शायद तकरीबन 400-500 ट्रैक्टर चल रहे थे, शायद नागौर का था, वो भी गोचर भूमि के लिए वो चलाने के लिए हुआ था भाई, इसमें घास बोएंगे और फिर गायें खाएंगी, जोधपुर का था, कहां का था वो यार, बड़ा अच्छा लगा। क्वेश्चन के आंसर तो देते नहीं, तो सुमैल्या खान पूछ तो सही मेरा बाप, जोधपुर ठीक है ओसियां का मान लिया। इनके मंदिर दो जगह है, एक तो सेखाड़ा, सेखाला कहाँ है जोधपुर में, जोधपुर की शेरगढ़ तहसील में है, और इनका एक मंदिर जिस जगह पड़ता है वो है पांचोटा, कौन सा है पांचोटा, और पांचोटा कहाँ पर है जालोर में। इस प्रकार तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दोनों पूरे हुए। सुमेर सिंह वेरवा सर प्लीज रिप्लाई पूछ भाई, सुमेर सिंह वेरवा जोधपुर बाबूलाल मीणा, राधे राधे, मैं 15 मिनट के बाद मिलते हैं, कोई बात नहीं, बाप नहीं माँ ये लड़की है खान, अच्छा लड़की है क्या, चलो दीदी कह देंगे आज से, सुमाइला खान है,
राय मलवाड़ा जोधपुर का था वह वीडियो, चौधरी कंवरराज सिंह। वेरी गुड भाई, झुंझुनू को वीरों की भूमि कहते, बिल्कुल है भाई। 350 बीघा भूमि पर लगाकर प्रयास किया सफल, वेरी गुड। ये कह रहे हैं सुहाग की देवी किसे कहा जाता है, शिवम चौधरी। सुहाग की देवी भी अपनी शिला देवी को ही कहते हैं, आमेर वाली को। आज क्लास छूट गई सर जी, मेला कब भरता है, बाद में की दूज को ही। शानदार शानदार शानदार, वीरों की भूमि, सबको अपनी अपनी धरती, सबको अपनी अपनी धरती वीरों की लगती। वीरों को, नागौर को संतों की धरती कहते हैं बेटा। आइए चलते हैं, ये क्या हो गया, योर विंडो लेसन विल एक्सपायर सून, यू नीड टू एक्टिव विंडोज इन सिंगिंग। अब इसमें बताओ कौन सा दबाऊं मैं, एक तरफ इधर देखो किस जाति के आराध्य देवता है, गोगादेव सुमाइला खान राठौड़ों की खाप होती, गोगादेव राठौड़, उन गोगादेव राठौड़ों के आराध्य देवता है। एक मिनट इसमें बताओ मैं क्या करूं सर, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पे आए इसको क्या करें, कौन आप बताओ जी, लांबा जी, लांबा जी इसको करो, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी को कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण का देवता, ओरण का देवता, मंदिर है सेखाला जोधपुर में और पांचोटा जालौर में। ये मल्लीनाथ जी के भतीजे थे, इनके पिता का नाम बीरम देव था, मारवाड़ के शासक राव चूंडा के भाई थे और सिंध के सुमरा को मारकर इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। साथ याद रखना इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ जी। बोलिए तल्लीनाथ जी महाराज की जय। सुमेर सिंह बेरवा, आज की क्लास कितनी बजे से चल रही, वही 1 बजे से चल रही है सुमेर, पूछ तो यार सुमेर सिंह, 1 बजे से, 1 बजे से। गुरुजी चाय पियोगी मेरा बेटा, मजा मतलब सर, खाटू श्याम जी को भूमि की कौन सी भूमि कहा जाता है, खाटू श्याम जी की भूमि को धर्मशालाओं की भूमि कहा जाता है सर, हमारी भी सुन लो, सुना तो सर यार। अरे चाय पीऊंगा तो सर, पर पिलाएगा कौन, हमारे कहावत चलती है खुदा बख्शो पांच शेर की लाभ से खा जाए, पर कोई खाल्यांग सर थे, स्क्रीन को नहीं छेड़ते हो। जय हो जय हो। पूछो भाई वो क्या पूछ रहा था सुमाइला, नेट समस्या इसलिए खेजड़ी पर चढ़कर क्लास देख रहा हूं। हाँ आपने पहले भी कहा था जीवन बोध, राव चूंडा को मंडोर विजय का आशीर्वाद किसने दिया था, राव चूंडा तो इनके मल्लीनाथ जी के भतीजे थे, इनके सेनापति खुद मल्लीनाथ जी थे, है कि नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मल्लीनाथ जी का इनको होना ही होना था। भर्तरी बाबा पीलियो में पिलसिया सर, ये जोधपुर में, हाँ शुभराम शर्मा जी, वो वहां पर जो महामंदिर है ना जोधपुर, जोधपुर कह रहा था मानसिंह जी ने बनवाया था, मानसिंह जी जो थे खुद भी इसके नाथ संप्रदाय के साधु बन गए थे। राज्य गीत की गायकी गणी है, इलाज इलाय भाई है, गौरी देवी है अपनी जयपुर की, बन्नो बेगम है वर्तमान में अपनी, सीमा मिश्रा हैं। 5 रुपया में की हो गया, छतू दे चिकनगुनिया माता का मंदिर का मेरा बाप, ऐसा मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना है, चिकनगुनिया माता का मंदिर का है। तब कल को कोरोना कोरोना देवता का भी बनेगा, कोरोना देवता का भी मंदिर मिलेगा। मेरी एक कहानी थी जो बहुत वायरल हुई थी, उसके ऊपर मेरे को गालियां भी बहुत मिली। मैंने एक कहानी लिखी थी रोही का धनी, और उसमें ये लिखा था कि देवता कैसे प्रकट होते, कैसे देवता बनते हैं। आप कहो तो सुना दूं, चिकनगुनिया के देवता कैसे बनते हैं, इनके सारे बीमारियों कैसे होते हैं। फोटो प्रिंट करा के आपके रूम में लगा दिया सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तेरा भला हो जाए। मैंने भी एक बार आसाराम की फोटो लगा दी थी, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, मैंने लगाई थी मेरे उसमें पूजा घर में, जैसे बाबा का कारनामा खोला मैंने, मेरे एक दोस्त को पूछा रहा यार क्या करूं मेरे पूजा घर में वो आशाराम की फोटो, अब क्या करूं उसको फेंकूं क्या करूं, बोले इसका करना क्या है, बोले उसको ऐसा कर तू बेडरूम में लगा दे। मैंने कहा यार बेडरूम में तो ऑलरेडी मैंने सनी लियोन की फोटो लगा रखी है, तो बोले बाथरूम में लगा दे साड़ी की फोटो, तो बोला मेरी फोटो मत रखा कर, मैं ऐसा मिली। सुनाओ गुरु जी सुनाओ, आओ सुनते हैं, आइए 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 आइए।
चलो आपके गीतों की तरफ चलते हैं। लोक देवता पूरे हो गए, अब पढ़ते हैं मुंह छिपाते हैं फिर हाँ सर सुनाओ 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 सुनाएंगे 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 सुनाएंगे। देखो एक बार गोचो सुनाओ, एलाव जी सुनाओ, शिवा सिंह ध्यान देना, अरे भरे ठीक है आइए, चलो चलो गीत भी सुना देते हैं, जिक्के भी पढ़ लेते हैं। आज कृष्ण भगवान के भक्तों को पढ़ते हैं अपन, कल भी कृष्ण भगवान के भक्तों को पढ़ेंगे। कर्मा माई बोलिए कर्मा रानी की जय। ये कह रहा है कि बोले चिकनगुनिया माता का मंदिर उदयपुर में है, बढ़िया है बढ़िया है। तो ये कोरोना भगवान का भी बनवा दे यार एक बार। हाँ सुना रहा हूं, आ जाओ आ जाओ। जय महाकाल। कर्मा भाई का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम है कालवा। कौन सा गांव? कालवा, जिला नागौर। अब आप बीच में गोछा मत करना, चुपचाप सुनना, बीच में कोई नहीं पूछना, ये पूरा हो जाए उसके बाद भी कुछ भी पूछ लेना। सर मैंने पटवार का कोर्स ले लिया लेकिन आपको वीडियो नहीं मिल रही, 5 ही वीडियो हैं, मैं इनको आज ही खाल खींचता हूं इनकी कि पूरे के पूरे वीडियो डालो। आ गई सुना, हाँ ठीक है अभी इधर जान दो सब आ जाएगा। कर्मा भाई का जन्म हुआ कालवा में, कालवा कहां पर है? नागौर में। और जाति से क्या थी? जाट। कहते ना कर्मा बेटी जाट की। दोस्तों इनके दादा थे पेमजी, क्या नाम था? पेमजी चौधरी। पेमजी चौधरी एक बार घूमते तीर्थ यात्रा पर गए, तीर्थ यात्रा पर घूमते घूमते कहां चले गए? पुरी। पुरी कहां पर पड़ती है? उड़ीसा में। यहां से इन्होंने क्या किया? जगन्नाथ भगवान की एक फोटो खरीदी। किनकी? जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान कौन है? श्री कृष्ण। इनकी लकड़ी की मूर्ति खरीदी। उस जमाने में कागज कहां मिलता था, वो लकड़ी की फोटो में बनाया करते थे, या अपने कोई भी आड़िया दिवाड़िया होता था उसमें साट्या बना लिया, साट्या की पूजा कर दी, माता जी करते हैं तो त्रिशूल बना लिया, ऐसे पूजा करते थे। वहां से वो लकड़ी की कोरी भी मूर्ति थी वो लेके आ गए। अब जगन्नाथ भगवान की पूरी से आई हुई मूर्ति कहां गई साहब? कालवा में। कालवा कहां है? नागौर में। दादाजी का रोजाना का नियम, सुबह उठे नहाने धोने के बाद में रोजाना भगवान को भोग लगाए और भोग लगाने के बाद में खाना खाएं, रोज जीना का डेली का रूटीन। एक दिन इनको कहीं रिश्तेदारी में जाना था। कहां जाना था? रिश्तेदारी में। और रिश्तेदारी में भी ऐसे नहीं भाई एक दो दिन, कोई 10 दिन के लिए। इन्होंने देखा यार मैं 10 दिन रिश्तेदारी में जाऊंगा, पीछे से ठाकुर जी महाराज की पूजा कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। तब इन्होंने क्या किया, प्रेम जी अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे। आप में से बहुत सी लड़कियां जुड़ी हुई हैं, वो जानते होंगे मेरे हिसाब से इस जीवन में किसी का सबसे तगड़ा दोस्त कोई होता है, वो या तो होता है दादा या दादी। दादा या दादी ऐसा दोस्त है कि जब आपके चारों तरफ मम्मी और पापा रूपी शत्रु मंडराने लगे, आपको पीटने के लिए बेलन चिमटा झाड़ू जो भी लेके पीछे भागे, उस समय बचने का एकमात्र उपाय है उन मम्मी और पापा रूपी शत्रुओं से भाग के दादा की गोदी में छुप जाओ। दादा की गोदी में छुप जाओ, आपका बाप भी पीछे भाग रहा है, और जैसे ही आप दादा की गोदी में छुपे हुए दिखते, बाप भी लापसी से मुंह करके वापस चला जाता है। बापू, अरे बापू भी जूता लेके आ जा, आजा साला छुरे को मारता है, इधर तेरे को मैं बताऊं। बाप भी घबरा जाता है। अब साहब रिश्तेदार, इन्होंने कहा यार बेटा कर्मा तू एक काम कर, मैं तो जा रहा हूं ये रिश्तेदारी में और ठाकुर जी के रोजाना भोग लगाना, और रोजाना ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद में ही भोजन खाना। अब ये कर्मा भाई भोले डाली, भोला तो वैसे जाट कह दिया तो फिर भोला कहने की तो जरूरत नहीं थी। अब साहब एकदम भोली जाटनी, छोटी सी बच्ची, इसने देखा यार क्या करें, अरे अब क्या करें क्या करें क्या करें, इसको कह के चले गए। अब कर्मा ने देखा यार भोग कैसे लगाते हैं, इसने कह दिया कि रोजाना ठाकुर जी को पहले खाना खिलाएगी, ठाकुर जी को खाना खिलाने के बाद में ही आपको खाना खाना है। कर्मा भाई ने देखा यार ठाकुर जी को खाना खिलाएं, ठाकुर जी दादा भी इनका भगत, तो ये तो कोई VIP होंगे ठाकुर जी, तो बढ़िया बनाया शानदार खिचड़ा साथ में खाटा, या शहरों में कहते कड्डी, कड्डी नहीं होती गाँव में बनाते खाटा। डू यू मीन ऑफ खाटा? खाटा बेटा बहुत जोरदार चीज है, उसमें बेसन की जगह आटा होता है, उसमें नहीं होता बेसन, उसमें होता है आटा, इसीलिए कहते हैं उसको अपन खाटा।
बाजरे का आटा, उसमें नमक हल्दी वल्दी घोड़ के, छाछ में घोड़ के, और उसको 108 उकाड़ी आती है, 108 उफान लगते हैं तब तक उसको पकाते रहते हैं, उसको कहते हैं खटा। एक भरी घी की बाट की। आपको क्या पता आजकल की छोरियां उसमें यूट्यूब पर देख के सर्च करती है कड्डी की रेसिपी, उसमें देखती जाती हैं सबसे पहले एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें, तेल गरम हो रहा, उसके बाद में उसमें चार कड़ी पत्ते के पीस डालें, ये कड़ी पत्ता के पीस डालें, एक तेज पत्ता डालें, एक तेज पत्ता डाला, ध्यान पूरा यूट्यूब की तरफ है, फिर इसमें ये मसाला डालें, वो घोल डालें, उधर इधर देखती जा रही, उधर घोल, अरे इधर ये देखते देखते इधर देख ऊपर को सारा ऊपर जाता है वो राबड़ी में खट्टा बड़ा अंतर होता है। ये ज्यादा नहीं हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, होना भी चाहिए। अब ध्यान देना दोस्तों, अब खाटा इन्होंने वो खिचड़ा बनाया और लेके भगवान के पास बैठ के लाके कहा, बोलो भगवान खाओ इसको। इसने देखा भगवान भी इंसानों की तरह गपा गप गपा गप गपा गप खाते होंगे, अरे गपा गप खाते होंगे, इसने तो कहा भगवान खा, धमकाया भगवान को खा। अरे भगवान की मूर्ति थोड़ी खाती है, वो तो लकड़ी की मूर्ति, दादागिरी करके रूठ के बैठ गई। बोलो खा, भगवान ने नहीं खाया। कर्मा भाई ने देखा यार चक्कर क्या है, ये दादा का तो जानकार है, अपने को जानता नहीं, तो ये अपने से शर्मा रहा है, अपने से शर्मा गया। और ये साहब बोले एक काम कर, तो मेरे शर्मा रहा ना, मैं एक बार कमरे के बाहर जाती हूँ, 5 मिनट में आऊंगा, थाली एकदम चट मिलनी चाहिए। वो बार 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 चली गई, वापस आकर के देखा तो वैसे के वैसे खिचड़ा रखा हुआ। बोले नहीं खाता, धमकाने लग गई, गालियां निकालने लग गई भगवान को। जब नरसिंह जी के मायरे में कृष्ण भगवान एंड टाइम पर पहुंचे, जब भयंकर लेट हो गए थे, तब नरसिंह जी ने भी गालियां निकाली थी कि पहली केस खिंचावी और फिर बढ़ायो चीर, पहली केस खिंचाविया फिर बढ़ायो चीर, अरे आयो लाज गवाए के आखिर जात अहिर। दोस्तों गालियां देने लगी, फिर भी भगवान की मूर्ति नहीं खाई। आखिर में रूठ के बैठ के बोले भगवान तू नहीं खाएगा तो बंदी भी नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। आप कल्पना कीजिए, आप रूठ गए और आप रूठ गए खाना नहीं खाऊंगा, आखिर में आपकी मम्मी धमकी देती है, आपकी बहन धमकी देती है कि भाई तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, आखिर में खाना पड़ता है। एक इंसान इतना दयालु हो सकता है कि अपनी बहन या मम्मी के नहीं खाने पर खाना खा लेता है, और वो तो त्रिलोकी का नाथ, उससे तो बड़ा दीन दयाल कोई हो ही नहीं सकता। आखिर में उसको दया हुई, प्रकट हुई, बोले कर्मा बावली ऐसे भोजन नहीं कराते, भोजन कराते तो भगवान के पर्दा लगाते हैं। किसी भी आप कहीं भी देखें, अगर अपन भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद पर्दा कर देते हैं, 2 मिनट पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद भी वो चलू करवा करके प्रणाम करके चरणामृत बांट लेते हैं। बोले पर्दा भी कर, अब वो बेचारी भोली डाली जाने नहीं, पर्दा करूं तो किसका करूं, तो उसके पास पर्दे का कोई कपड़ा तो था नहीं, उसने अपना घाघरा पकड़ के बोला ये ला भगवान मैं तो इधर मुंह कर लेती हूं, और तू इसके आराम से पीछे बैठकर खा। और घाघरे के पीछे बैठकर साहब भगवान श्री कृष्ण ने उसका खिचड़ा खाया। और खिचड़ा खाने के लिए भगवान कहां से भाग के आया, पुरी से, और पुरी से भाग के खिचड़ा खाने के लिए खिचड़ी के लालच में भगवान को कहां आना पड़ा, कालवा में। ऐसे भक्त भी है हमारे राजस्थान में कि जिन्होंने पूरी ठेठ समुद्र के किनारे, ठेठ पूर्वी भारत से ठेठ पश्चिमी भारत में आने के लिए भगवान को मजबूर कर दिया। अर्जुन भी नहीं होगा इतना भाग्यशाली, तो जो कृष्ण के साथ हमेशा रहता था, इतनी भाग्यशाली जो संत थी वो कौन थी, कर्मा भाई। इस पूरे घटनाक्रम का भजन मेरे ही गांव के एक ऐसे कवि ने लिखा है जो कभी कभी पढ़ा भी नहीं था, अनपढ़ थे, उनका नाम था सोहन लाल जी लोहाकार। सोहनलाल जी लोहाकार वो भजन लिखते हैं और पूरी भारत की हिंदू संस्कृति में सबसे लोकप्रिय जो भजन हो जाता है वो कौन सा है, कर्मा भाई का असली नागौरी नारी ही बा। और वो कौन सा भजन था जो मेरे ही गांव से निकला और पूरी गांव गलियों शहरों नगरों में गूंजता हुआ पूरे भारत में फैल गया, वो था कि थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की जी। इसको शेयर कर दो ताकि सब लोग देख लें। हाँ सोनलाल जी लोहाकार मेरे खाटू से हम जी कहते, सब सब शेयर करो ताकि और भी लोग देख पाए बेटा, है ना, एलावजी वेलावजी सब करो, शिवम पिवम सब, है ना। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, मेरी राग नहीं है भाई, जैसे मान लीजिए और कोई गाते हैं तो ऐसा लगता है इसके गले में सरस्वती विराजमान है, जब मैं गाता हूं तो ऐसा लगता है कि इसके गले में भैरव जी विराजमान है, लेकिन भैरव जी भी एक चमत्कारी शकट देवता है, तो भैरव जी की आवाज सुन के बाबूलाल मीणा मैं थोड़ा कंठ गीला कर लेता हूं।
भाई इनको रोको। किनको रुकवा रहा है तुम? ताली भर कर लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मेरा श्याम धनी जीमा वे बेटी जाट की, अकर्मा बेटी जाट की। और क्या निवेदन करती है पहला कि दादो मेरो गाम गयो है कुण जाने कद आवेगो, दादो मेरो गाम गयो है ना जाना कद आवेगो, दादा के भरोसे सामरा भूको ही रह जावेगो। ओ दादो मेरो गाम गयो है ना जाना कद आवेगो, दादा के भरोसे सामरा भूको ही रह जावेगो। मैं आज जिमाऊं तने खीचड़ो, नहीं खाता तो लालच देती है भगवान को। मैं आज जिमाऊं तने खीचड़ो और काले राबड़ी घाट की, जो को कूट के जो राबड़ी बनाते हैं उसको घाट के राबड़ी बोलते हैं, कि मैं आज जिमाऊं तने खीचड़ो और काले राबड़ी घाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमा वे बेटी जाट की, अकर्मा बेटी जाट की। फिर भी भगवान तो प्रकट नहीं हुई, तो क्या किया कर्मा ने, बाहर चली गई कि बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार में खोलती, बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार में खोलती, किया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। दादागिरी से खाना पड़ेगा तेरे को। ओ मंदिर ने जुड़ती बार बार में खोलती, किया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कि तू जी मैं जद मैं जी मूंगी, तू जी मैं जद मैं जी मूंगी, ना मानू कोई लाट की। लाट साहब आ जाए तो नहीं मानू, कि तू जी मैं जद मैं जी मूंगी, ना मानू कोई लाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमा वे बेटी जाट की, अकर्मा बेटी जाट की। दोस्तों फिर क्या होता है कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, आजकल के पाखंडी बाबाजियों जैसी नहीं, कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेगो, रसोहन लाल लोहा कर प्रभु का हरक हरक गुण गावेगो। ओ आ भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेगो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु का हरक हरक गुण गावेगो। दोस्तों जब भगवान वहां पर आते हैं तो क्या कहते हैं कि साचो प्रेम प्रभु से हो तो, फर्जीवाड़ा नहीं चलता यहां पर, अति सूद स्नेह को मार्ग है जहां नेको शयानप बांक नहीं, कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेगो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु का हरक हरक गुण गावेगो। बोलिए कर्मा रानी की जय। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति बोल गई यार, के खिचड़ा खिला कर्मा। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो मेरा श्याम धनी जीमा वे बेटी जाट की, अकर्मा बेटी जाट की। बोलिए कर्मा रानी की जय हो। अब बताओ सर, मैं खेजड़ी पर नाच रहा हूं, तेरा भला हो जाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बिल्कुल सबसे ऊंची। जे में इया जानती प्रीत करया दुख होय, तो नगर ढिंडोरो पीटती प्रीत न करियो कोई।
सबका अलग अलग विचार है। कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बताइए साहब, किसी ने कहा कि प्रेम को पंत कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, तो किसी ने कहा कि प्रेम अति सूदो स्नेह को मारग है, जमुने को शयान पे बांक नहीं। जिसका जैसा अनुभव रहा वैसा उसने बताया। आप बताइए साहब, अब पैसा गोला सरकत से नाच रहा हूं, नाच लिया प्रीत ना करियो कोई, सर मैं खेजड़ी पर नाच रहा हूं, तू डाला टूट जाए यार, तू भी नीचे पड़ जाए लो बेटी का बाप। सर आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती, मैंने तो आज पहली बार किसी आदमी ने ऐसा कहा है कि आपकी आवाज अच्छी है। सर एक बार और ऐसे करते करते तो अपन 138 करोड़ हो गए। कबीर तेरे संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी का वो पैसा गोलो सर मैं कद से नाच रहा हूं, नाचो 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 नाचो। सर जी आपको गहलोत बुला रहा है, प्रताप सिंह कह रहा है। क्यों बुला रहे भाई? ओम प्रकाश, ठीक है दोस्तों आइए चलते हैं। आप हंस क्यों रहे भाई? हाँ 138 करोड़ ठीक है, सिवा नहीं नाची, सब नाचेंगे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। आइए तो मूसड़ अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान की उस संत को। हाँ एक याद रखना, कर्मा बाई को क्या कहा जाता है? कर्मा बाई को कहा जाता है मारवाड़ की दूसरी मीरा, मारवाड़ की दूसरी मीरा। पहली मीरा तो मीरा बाई है ही, पहली मीरा तो मीराबाई है, और दूसरी मीरा कौन हो गई? कर्माबाई। और अगर पूछ लिया जाए इनकी समाधि कहाँ है, तो दोस्तों कर्माबाई की समाधि बतानी आपको कालवा गांव में। कालवा कहाँ है? नागौर में। अगर ये पूछ लें कि कर्माबाई का मंदिर कहाँ है, तो कर्माबाई का मंदिर है साहब जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ही इनका भी मंदिर है, जो कहां पर है? पुरी में, उड़ीसा में। छोरो अपने नागौर के एक महिला संत का मंदिर उड़ीसा में है, और उड़ीसा कहां है? उड़ीसा एकदम पूर्वी समुद्र के किनारे, अपने राजस्थान की इतनी मान्यता है वहां पर, ठीक है। कालवा नागौर मकराना तहसील में पड़ता है, कौन सी तहसील में? मकराना में। गजेंद्र से मारे तो हंसी नहीं रुक रही, खेजड़ी का ढाला तोड़ दिया इस जीवन ने। खेजरी का डाला, चिरमी का डाला, शेखावाटी के मिक्का सिंह की जय हो। नवल भास्कर सर आपकी सरकार सुरक्षित बच गई, हमारी पुरुष मणि रह गई। ओमाराम ओमाराम, अपनी काई के सरकार देख, अपना उद्देश्य मजे लेना। बीजेपी कोई मूर्खता करती तो उसके मजे ले लेते हैं, कांग्रेस मूर्खता करती तो उसके मजे ले लेते हैं, अपनी कोई पार्टी नहीं, अपन जनता हैं, मजे लेते थे, लेते हैं, लेते रहेंगे। और देखो वोट देने तक अपनी पार्टी होनी चाहिए, वोट देने के बाद अपने को जनता हो जाना चाहिए। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि सरकारों के पक्ष में लोग आ जाते हैं, अपने को खिलाफ रहना चाहिए, तभी अपना काम हो पाएगा, अन्यथा सरकारें बड़ी नकटी निशल्डी काम नहीं। अरे अपना काम सरकार को वोट क्यों दिए अपने? सरकार को वोट इसलिए दिए हैं कि वो हमारा काम करे। तो जिस दिन वोट दे दिया उसी दिन से खत्म, अपने किस पार्टी को दिया कोई बात नहीं, गुप चुप रहो, किसी का प्रचार मत करो। और जब जिस दिन से सरकार बन जाए सरकार के खिलाफ हो जाओ, सरकार की कोई भी प्रजा के खिलाफ नीतियां आती है खिलाफत करो। राजस्थान की सरकार करती है तो उसकी खिलाफत करो, वो करती सेंटर की तो उसकी खिलाफत करो, क्योंकि अपने को काम चाहिए। मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग सरकारों के पक्ष में आ जाते हैं। गहलोत मेरा है, मोदी मेरा, काय का गहलोत तेरा, काय का मोदी तेरा? कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये जो आपके लगते हैं ये आपके होते नहीं है। अपने को जनता बन के रहना चाहिए। चाय पी लूं? अभी मेरे मजे ले रहा था ना, चाय पी लल बेटा, ये देख चाय आई शानदार मावे की चाय है, तूने दूध की पी होगी तो मावा की चाय, एकदम मावा भी अलवर का है इसमें, चाय आएगी। हाँ मंजीत सिंह चाय आएगी।
ओमाराम कह रहा करमा भाई किस गोत्र के जाट थे यार, पता नहीं है। ऐसे गोत्र ही नहीं, ऐसे थोड़ी थी, कौन सी गोत्र की थी। मीरा जन्मी मेड़ते वाला भजन सुना दो। मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़, धरती माताल वालो पेरू रे गागरो। तेजल तबदारी करा डूडी गोत्र की थी भाई। कई बार इधर से भी जवाब आ जाते हैं, इधर से नहीं आते तो बहुत। ये कह रहा पिपड़ोदा थी। अच्छा सब अपनी अपनी बता रहे हैं, बोले झूठ की भी हद से भाई। काई झूठ बोल दी, मैं रोटी जीम रहा हूं अभी, गेलो थाने की बोरी को निपुका। बिल्कुल सही कह रहा है मोहित खंडेलवाल कह रहे। डूडी ये कह रहा वो बड़बड़ती छा, छात छात तो छाच को बोलते, चाय को चा बोलते हैं। तो आपको इतना अच्छा लगा तो कोई जागरण करवा लेना, फिर मेरे को बुला लेना, उस जागरणे में गाएंगे बढ़िया। मुकेश मीणा कोई किसी का नहीं होता नेता, बिल्कुल सही है। नहीं कभी काम पड़े तब जाके देख लेना, तब पता चलता है अपना कोई नहीं है डूडी गोत्र की। मावा की चाय रील में, सर कहाँ है कोचिंग प्रिंस शर्मा, जयपुर में है बेटा। चाय थोड़ी गली, हाँ यार कप भी छोटो सो के देखो। अब बोलो तीसी भी को चाय भी आ करेगे, माने चाहे पूरे स्टील वालों गिलास अतरो लंबो। अल्लाह जिला भाई तो गायक कलाकार थी बेटा, गाती थी बीकानेर की थी, निमड़ गई आ रहा तो। आओ सा बारिश आ गई, अरे वाह इसका मतलब मैंने मल्हार रा गई। बोले तानसेन जब गाता था तो बोले बादल बरसने लग जाते थे, ऐसा होता था ना। आइए कर्मा भाई के बाद पढ़ते हैं पण। मीरा भाई संत पढ़ना चालू हो गए बेटा, देवता पूरे हो गए थे अपने, अब पढ़ेंगे किनको। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कि गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, मीरा भाई को। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि राधा का भी श्याम बोलो मीरा का भी श्याम, पर लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। याद रखना राजस्थान की राधा मीरा भाई को कहा जाता है, मीरा भाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राधा भी कृष्ण से प्रेम करती थी लेकिन कभी उनका विवाह नहीं हुआ, पति मानती थी। मीरा भी कृष्ण से प्रेम करती थी, पति मानती थी लेकिन कभी उनका विवाह नहीं हुआ। तो इन दोनों के जीवन में यह समानता पाई जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं राजस्थान की राधा। थे तानसेन खाकर गौ, बेटा तानसेन दास मिले ही क्यों नहीं है ये जागरण में। सर ये जागरण में नहीं चलेंगे, क्यों नहीं चलेगा, जोरदार चलेगा यार, दौड़ेगा ये तो। वाह गुरुदेव, रणवीर सिंह भाटी पावरवाला, खिचड़ो ठोका दियो हमें तो चाय पिला दो अपने लाडले को। सर गुरु जी रजनीगंधा खा लो तो क्यों ही खिला दे, पर तो खिला तो सरी मूसल तू बात ही बातें करे कोरी। आओ राजस्थान की राधा मीरा भाई, राजस्थान की राधा मीरा भाई रो जन्म जिन ठोड़ी हुए उन जगह रो नाम है सा कुड़की। कुड़की का जिला पाली, यहां पर इनका जन्म हुआ 1498 में। अब देखिए ये सीमाएं बदल गई, राजनीतिक सीमाएं बदलती रहती है। उस जमाने में कुड़की पाली जिले जिले थे ही नहीं आजादी से पहले। अगर पूछ लिया जाए मीराबाई का जन्म किस रियासत में हुआ तो मीरा जन्मी मेड़ते और परणाई चित्तौड़। रियासत पूछे, रियासत याद रखना, गांव पूछे तो पाली जिले का कुड़की गांव पूछना है। मीराबाई का जन्म किस जिले में हुआ तो पाली, किस रियासत में हुआ तो मेड़ता, किस गांव में हुआ तो कुड़की, किस सन में हुआ तो 1498। नाइक वाले ये नॉर्थ राम कर बाजोली, ये नागौर वाले लोग दादागिरी से मानते हैं,
कि बाजुली नागौर में जन्म हुआ था, जो सरासर गलत है। एक आध किताबों में भी दे रखा है मीरा का 101% जन्म जिस जगह हुआ उस जगह का नाम है कुड़की, जिला पाली 1498 में। यह प्रश्न कई बार आया है पर हर बार मीराबाई का जन्म कुड़की को ही माना गया है। कुड़की किस जिले में, पाली में कब हुआ 1498 में, किस रियासत में हुआ, मेड़ता में, नागौर में। इसीलिए मेड़ती या राठौड़ थी, कल्ला जी की बुआ थी, जैमल की बहन थी। मेड़ता रियासत के राजा थे जिनका नाम था राव दूदा। राव दूदा मेड़ता के राजा हैं, तो वो अपने पुत्रों को छोटे छोटे गांवों की जागीरी दे दिया करते थे कि आप वहां राजपाट करो, कैसा राजपाट करते हो, सही करते हो तो आपको राजा बना दिया जाएगा। तो ये कुड़की गांव जिसकी जागीरी में था उसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। और रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था कुसुम कंवर। कई जगह इसका नाम वीर कंवर भी लिखा होता है लेकिन इनका जो सही नाम था वो कुसुम कंवर था। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में राजस्थानी विभागाध्यक्ष हैं माननीय कल्याण सिंह जी शेखावत। और कल्याण सिंह जी शेखावत ने मीरा पर PhD करी है, शोध किया है। उन्होंने बताया कि माताजी का नाम कुसुम कंवर था और पिताजी का नाम रतन सिंह था। इन दोनों की जो पुत्री हुई उस पुत्री का नाम था पेमल। याद रखना तेजा जी की पत्नी का नाम और मीराबाई के बचपन का नाम एक ही था। बताइए मीराबाई के बचपन का नाम पेमल, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल, तो बताइए मीराबाई के पिताजी कौन हुए? रतन सिंह। मीराबाई की माताजी कौन हुई? कुसुम कंवर। भोजराज की पत्नी नौरत्राम आएगी। सारी बातें मैं तो काना बदरा हूं, मटकी फोड़ने हो तो बुला लो, तो घर का मटका मत फोड़ दीजिए। परिंडा का नहीं बा माँ लठ की मारे ली वो बापू और गुटल लो तने। हाँ मैं एक बार देखियो बैरू जी को जागरण बुखार छिड़की मेरे तो। हाँ ध्यान देना बेटा, पिताजी का नाम रतन सिंह। अब कहते हैं कि जैसे ही इनका जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई और माताजी का नाम क्या था? कुसुम कंवर। उस जमाने में तो परंपरा ही थी साहब, पिताजी तो दूसरी शादी कर लिया करते थे। पिताजी की दूसरी शादी हो गई लेकिन पिता को तो पत्नी मिल गई लेकिन पेमल को मां थोड़ी मिल गई, तो देखते इनका किस प्रकार से आगामी जीवन बीता। आगामी जीवन इनका किस प्रकार बीता याद रखना है। इनका लालन पालन किसने किया? इनके दादा ने, राव। देखो चार दई दे, दादा दूदा। इनके दादा का नाम था राव दूदा। राव दूदा ने किया, जो मेड़ता का राजा था। तो याद रखना लालन पालन करने वाले कौन थे? दादा। और लालन पालन की बारे में पूछ लीजिए किस स्थान पर हुआ, तो वो स्थान कौन सा बताना है? मेड़ता। केवल जन्म जन्म कुड़की गांव में हुआ था, बाकी मीराबाई का पूरा जीवन कहां बीता था? मेड़ता में। और मेड़ता किस जिले में है? नागौर में। नागौर, नागौर के कौन कौन है इसमें? गुरु जी बछेड़ देर मा तो बोड़ दो गोसोग्रह जी को। वृंदावन बिहारी लाल की जय, आरती कुंज बिहारी की। गुरुजी था भी था या भी या आ गया के नागौर? कौन कौन है नागौरी में बताओ? मेड़ता नागौर, नागौर मारे तो जागरण में भैरू जी के चाले हैं। मूसल रुक जाओ, मोहित कंडेलवाल कह रहे हैं हम नागौरी से। नागौरी बैल हो बेटा, नागौर के बैल प्रसिद्ध हैं, तुम ही हो नागौरी बैल हैं ये सब। एक ये भी कह रहा है मनजीत सिंह यादव भी जायल से, महावीर प्रसाद, ये देखो सब नागौरी बैल हैं। हाँ अब आ जाओ श्री कृष्ण आप। हाँ क्या बात है जयराज शेखावत, वेरी गुड गणिताड़ा मार साहब। लालन पालन दादा राव दूदा ने किया। राव दूदा ने कहां पर किया? मेड़ता में किया। मेड़ता कहां? मेड़ता कहां? मेड़ता कहां? मेड़ता है साहब
नागौर में आपा कूचामण में यानी कि थे कूचा के मायने मणमण बोध्य हो। ठीक है, मेरे पूर्वज नागौर से हकीम सर से वमा सर के, तो फिर वहां पर नागौर में बदमाशी कर ली तो उन्होंने बाड़मेर में भगा दिया होगा तुम्हें। आओ भाई बेल 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 आ बेल मुझे मार, मैंने भी इनको दुश्मन बना लिया नागौर वालों को, मुझे ऐसे कैसे कह दिया। ये पूनाराम बाजरोलिया कह रहा डीडवाणा, धोक डीडवाणा ना का दंडोत प्रणाम। याद रखना मेड़ता में इनका लालन पालन हुआ किसने किया, रावदूता ने किया। एक दिन छोटी सी थी मीराबाई अपनी सहेलियों के साथ घूमती घूमती मेड़ता के शहर में चली गई, बाजार में चली गई। वहां भी थी एक दूल्हा, एक बारात, बारात में था एक दूल्हा, दूल्हा घोड़ी पर बैठा सजा धजा गजब राजा की ड्रेस, लोग नाचने वाले नाच रहे, गाने वाले गा रहे, बजाने वाले बजा रहे, दूल्हे के ऊपर जो पैसे और फूल उछाले। मीराबाई ने देखा यार इतना कितना गजब का वीआईपी आदमी, लोग इसके सामने नाच रहे हैं बजा रहे हैं पैसे और फूल उछालने। सहेलियों को पूछा कि इतना वीआईपी आदमी कौन है जिसके आगे पीछे सब लोग ढोल बजा रहे हैं नाच रहे हैं। सहेलियों ने कहा तू छोटी बच्ची इसलिए जानते नहीं, ये दूल्हा है। दूल्हा क्या करता है? दूल्हा लड़कियों से शादी करता है। मीरा ने कहा लड़की तो मैं भी हूं, क्या मेरे से भी शादी करने दूल्हा आएगा? सहेलियों ने हंसते हुए कह रहा पागल तू तो मेड़ता की राजकुमारी है, इस मेड़ता में सबसे वीआईपी दूल्हा ही तेरा ही आएगा, तेरे लिए तो किसी रियासत का राजा विवाह करने आएगा, तेरा तो सबसे गजब। बोले मेरे भी दूल्हा आएगा? बोले आएगा। बोले मेरे दूल्हा कौन लेके? बोला तेरा दादा लाएगा। मीरा ने कहा साहब मेरे को तो आज की आज दूल्हा चाहिए, बाल हट त्रिया हट राज हट, बच्चे जिद पकड़ लिए तो पकड़ ले। भगवान राम जी ने हट पकड़ लिया था एक बार, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूं, हे माँ मुझे तो वो चांद खिलौना लाके दे। अब चांद कैसे लाके दे? फिर वो उनको थाली में पानी में भर करके किस प्रकार से दिखाया, नागौर में तो लठ भी फेमस है। हाँ है भाई, नागौर का काचर फलिया काफी लाए हो, मैं नहीं लाया, वो तो ससुराल वाले बेच देते हैं। अब ध्यान देना, अब दोस्तों मीरों ने करो यार दूल्हा दादा लाएगा, और उसने भाई साहब छो चढ़ गया कि मेरे तो आज की आज चाहिए। मीरा बागी बागी गई, बागी बागी किसके पास? दूधा के पास। इस मेड़ता में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जिसका नाम है चार भुजा नाथ जी। आज तो इस मंदिर को मीरा मंदिर ही कहते, क्यों कहते हैं पूरी स्टोरी में चलेंगे। चार भुजा नाथ जी मंदिर और राव दूधा इसके अनन्य भगत, ये तो दूल्हे की डिमांड लेकर पहुंची, दूल्हे की डिमांड लेकर मीरा, और इधर राव दूधा करे चार भुजा नाथ जी की पूजा की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला। जितने में तो मीरा ने अपनी भुजाओं की माला डाल दी, बोले बंद कर तेरी कुंज बिहारी की आरती और मुझे अब की अब्दुल्ला ला के दे। दादा ने कह रहे बेटा अब नहीं, बाद में, बहुत बाद में आएगा तू जब जवान। बोलो नहीं नहीं मुझे तो आज की आज दूल्हा चाहिए। दादा ने मजाक मजाक में कह दिया चार भुजा नाथ जी की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए, बोले ये बेटा तेरा दूल्हा। कोई पुरबले जन्म के संस्कार थे, सट साक्षात्कार हो गया और उसी दिन दिल पर मोहर लग गई कि मेरा तो दूल्हा है तो कौन है? चार भुजा नाथ भगवान श्री कृष्ण। बोले दादा दूल्हा के साथ क्या करते हैं? बोले सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, अपने दूल्हे को स्नान करो, उन्हें कपड़े पहनाओ, फूलों की माला पहनाओ, चंदन का टीका लगाओ, धूप दीप बत्ती उगल लगा करके भगवान की आरती हो। अब साहब मीरा तो अगले दिन से ये क्रम चालू, उठी स्नान किया भगवान की, वो जैसे दादा ने किया सब कुछ करके, तान्या मान्या तुर जोधपुर थी दाड़ी आई तबूतर उड़िया हुर तान्यू मान्यो रावड़ी नानी गाली कीर। अरे बोले वावड़ी भगवान के लिए ऐसे भजन नहीं गाते, तो छोटे बच्चों के हैं, आप भगवान के लिए कुछ अलग ही प्रकार के भगवान के दो चार गा के सुनाए दादा ने। अब मीरा ने भी धीरे धीरे छोटे छोटे पद बनाने, सर मसाला सर सुजानगढ़ सिंह वेरी गुड मोहित खंडेलवाल, धीरे धीरे उसने उसके बिल्कुल अनेक रूप होते हैं साहब प्रेम के, उसके साहब पद बनाने चालू किए। उन्हीं से एक नई रचना होती है जिसका नाम होता पदावली। ठाकुर जी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने नौकर राखो जी, बनवारी माने नौकर राखो जी, नौकर रे श्या बाग लगा श्या नित उठ दर्शन पास्या, बनवारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने नौकर राखो जी। तरह तरह के भजन बनाने लगी। अरे सांवरिया रे थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु पतरी, गिरधारी थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु पतरी। और मीरा की सबसे प्रसिद्ध रचना जो है
पदावली, पदावली में मीरा ने क्या लिखे हैं, पद, जिनको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, भजन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। और साहब मीरा तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में हो जाती है दीवानी दीवानी दीवानी। और साहब धीरे धीरे कृष्ण की भक्ति करते 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 मीराबाई हो जाती है जवान। तो दोस्तों दोस्तों मीराबाई की, मीराबाई का विवाह हो जाता है। और मीराबाई का विवाह कहां होता है, मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का नाम भोजराज, इसी भोजराज से हो गया विवाह। तो बताइए मीराबाई के जो पति थे, पति का नाम क्या, भोजराज। 1516 में इनकी शादी हुई थी, शादी कब हुई थी, 1516 में। अब मीरा साहब त्याग देती है मेड़ता और आ जाती मेवाड़। मेवाड़ में कहां लाया गया मीराबाई को, दुल्हन बनाकर चित्तौड़गढ़ में। आज चित्तौड़गढ़ के किले को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि आज चित्तौड़ में एक नई बहू आई है, कौन, मीराबाई। कौन लेके आया, भोजराज। अब साहब मीराबाई भी अपने कक्ष में बैठी हैं, भोजराज अपने मन में लाखों अरमान लेकर, लाखों सपने लेकर सीधा पहुंचता है महल में, किसके पास, मीराबाई के पास। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है भोजराज, तो क्या देखता है कि मीरा के एक हाथ में इकतारा, एक हाथ में खड़ताल। मीरा और नारद जी का संबंध कई बार पूछ लिया जाता है, किस वाद्य यंत्र से, इकतारा से। अब साहब वहां जैसे प्रवेश करता है, पति को मीरा एक पद गा के सुनाती है, आप सबने सिलेबस में भी पढ़ा होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे भोजराज तू हाडमांस का पुतला है, तू मेरा पति नहीं हो सकता, मेरा पति तो अजर है, अमर है, अविनाशी, मेरे रोम रोम में व्याप्त है, मेरा पति तो वो सामरिया है, वो परमपिता परमेश्वर, मेरा सब कुछ वही है, तू मेरा पति नहीं। भोजराज क्या सोच के गया था और क्या निकल गया, लेकिन भोजराज इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हो गया, मीरा तो तेरो बाजे इकतारो, क्या बात है, क्या बात है, क्या शंकरलाल मीणा, इसके छोड़ो मोहित खंडेलवाल, शेखो जी राव कौन थे, शेखा एक दो भाटी हुआ है जो करणी माता के टाइम, एक राव शेखा जी हुए, शेखावाटी जिन्होंने बसाई। ध्यान देना साहब, भोजराज बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति का था, उसने देखा कि यार मेरी पत्नी ऐसी जो भगवान की परम भक्त है, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। मीरा को प्रणाम करके भोजराज ने कहा कि देखो तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी होने के नाते रोजाना मुझे आपके कक्ष में आना पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी भक्ति में कभी भी विघ्न नहीं डालूंगा, बस एक गुजारिश पति होने के नाते इतनी सी करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं जब भी आपके कक्ष में आऊं, रोज जाना मुझे आप एक पद गा के सुनाना जैसा आज सुनाया, ताकि मुझे नींद आ जाएगी। मीरा अपने पलंग पर सो रही है और ये पति नीचे चटाई बिछा करके सो जाता है, और ये केवल एक ही रात नहीं, संपूर्ण रात्रि चटाई पे सोता है। मीरा अपने भगवान की भक्ति में लीन रहती है, इतना भला आदमी था, कौन, भोजराज। लेकिन कहते हैं भले आदमी जल्दी मरते हैं। दोस्तों खातूली का युद्ध हुआ और 1517 में हो गई इसकी मृत्यु, किसकी, भोजराज की। लेकिन एक छोटी सी बात करना चाहता हूं इससे पहले, भोजराज काफी दिनों तक मीरा के पद सुनता रहा, इसी को पद लिखती रही मीरा। एक दिन भोजराज ने मजाक मजाक में पूछ लिया कि मीरा, मुरारी लाल गोत्र, मीरा क्या भगवान की भक्ति करना जानते हो, ये पद गाना ही जानते हो, या नृत्य भी करना जानते हो, नृत्य और गायन का तो संगम है, हैं, जो गायन जानता है उसको तो नृत्य भी आना चाहिए। उसने कहा कि नृत्य आता है, नाचती हूं, बहुत अच्छा नाचती हूं, लेकिन तेरे सामने नहीं नाचू, मेरा नृत्य देखना है तो मेड़ता जा और मेरे चार भुजानाथ की मूर्ति ला दे, मैं केवल चार भुजानाथ के सामने नृत्य कर सकती हूं और किसी के सामने नहीं।
भोजराज जाता है रावदूता के पास और भोजराज ले आता है कौन सी मूर्ति? चार भुजा नाज की मूर्ति, चार भुजा नाज की मूर्ति। और चार भुजा नाज की मूर्ति कहां रखता है? चित्तौड़गढ़ में। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर जिसका नाम है कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर है? इस कुंभ श्याम मंदिर के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाता है और उस मंदिर में चार भुजा नाथ जी की मूर्ति को रख देता है। तो याद रखना, चार भुजा नाथ जी की मूर्ति मेड़ता से कहां चली गई? चित्तौड़गढ़। इसीलिए मेड़ता वाले मंदिर को भी मेरा मंदिर कहते हैं। फिर उसके आराध्य देव चार भुजा नाथ की मूर्ति कहां गई? चित्तौड़गढ़ में, कुंभ श्याम मंदिर में। तो इसको भी मेरा मंदिर कहते हैं। और यहां से आमेर का राजा मानसिंह आमेर ले आया और यहां पर बनाया उसने जगत शिरोमणि मंदिर। तो मीरा जिस चार भुजा नाथ की मूर्ति पूजा करती थी वो सबसे पहले रही मेड़ता, फिर आई चित्तौड़, चित्तौड़ से मानसिंह कहां ले आया? अपने आमेर में। अब वो जो जिसकी मीरा जिस विग्रह की पूजा करती थी वो असली मंदिर आमेर, मंदिर क्या वो मूर्ति आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में है, जो मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया दोस्तों, इसीलिए जगत शिरोमणि में। लेकिन आज इन तो चार भुजा नाथ जी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, इन नामों से जगत शिरोमणि के नाम से कोई नहीं जानता। सब इन मंदिरों को जिस नाम से जाना जाता है वो है मीरा मंदिर। क्या नाम है? मीरा मंदिर। अब ऐसा भोजराज की हो गई मृत्यु। भोजराज की मृत्यु होने पर होता क्या है? मीराबाई का तो एक ही धुन भगवान की भक्ति। और कौन से मंदिर में? जो चार भुजा नाथ की मूर्ति आई थी ना मेड़ता से, उसी में कुंभ श्याम मंदिर में भक्ति करने लगी। कौन? मीराबाई। इसी कुंभ श्याम मंदिर में मीराबाई की मुलाकात होती है मीराबाई के गुरुदेव से। और मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। अगर यही प्रश्न ऐसे घूम के आ जाए कि मीराबाई को भक्ति के संस्कार किसने दी, मीराबाई को भक्ति के संस्कार किसने दिए? रैदास ने। गलत होगा उत्तर। उस समय उत्तर होगा दादा राव दूदा ने। भक्ति के संस्कार देने वाला उनका दादा था जिसका नाम था राव दूदा। और मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? रैदास जी। दोस्तों आज भी इसी कुंभ श्याम मंदिर में चित्तौड़गढ़ किले में इन रैदास जी की छतरी है। बोलिए रैदास जी की छतरी कहां पर है? छतरी पूछे तो इसी कुंभ श्याम मंदिर में, किला पूछ ले कौन से किले में? एकली खड़ी रे भाई, एकली खड़ी गिरधर आवो तो सारी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा एकली खड़ी। तो ध्यान देना, छतरी कुंभ श्याम मंदिर में। अगर पूछ ले रैदास जी की छतरी किस किले में है तो आपको उत्तर देना चित्तौड़गढ़ किले में। यारो आप ऐसा सिस्टम है कि मैं आपको भजन गीत गा के सुना सकता हूं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि जिसके द्वारा आप भी मुझे, मैं सब बताऊंगा। तुम पहले प्रश्न मत पूछो, जब पूरा कांड हो जाएगा ना ये, फिर पूछना का सर ये बाकी रह गए ये बताओ, मैं सारे राणा बता दूंगा तेरे को। बीच में गोचा मत कर, मैंने पहले ही कह दिया था, फिर भी तू तेरे यहां वो तितर का बाल हो रहा है। तो मैं बता देता हूं, इसको राणा विक्रमादित्य ने दिया था जहर, जो इसका देवर लगता था। ठीक है, पूरी बात होने से पहले प्रश्न नहीं हो। विष का प्याला राणा जी भेजा पी। अगर इनको शिक्षक वो जो जिन्होंने विद्या सिखाई थी उनका नाम था गजाधर। क्या नाम था? गजाधर, गजोधर। और उसी को मीराबाई ने अपने भजनों में क्या लिखा है? जूना जोशी, मेरे पुराने गुरु। हो मारा जूना जोशी हरीसो मिलन कद हो सीरे, मारा जूना जोशी राम मिलन कद हो सी। है कि नहीं? अब ध्यान देना, रैदास जी की छतरी गुरु क्या? अब साहब जिस समय मीराबाई के पति का देहांत हो चुका था, उसमें मेवाड़ के शासक जो मीराबाई के क्या लगते थे? देवर। उसका नाम क्या था?
विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने मीरा को मारने का खूब प्रयास किया, क्योंकि ये शिव मत के थे, भगवान शिव की पूजा करने वाले, और मीराबाई थी वैष्णव, भगवान कृष्ण की भक्त। तो इसी विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के अनेक कष्ट, अनेक प्रयास किए, या यूं कह सकते हैं मीराबाई को अनेक कष्ट दिए। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे अब तो काटो रे जम रे फांसी। सरप पिटारा राणा जी भेजा, बेटा जी बन, लेकिन कहते ने कि जाको राके साइया तो मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जगबेरी हो। जब भगवान खुद उसकी सहायता करने वाले हैं कि शत्रुन के घर सयन करो, शमशान के बीच लगाए ले डेरो। मेरे बुआ जी का एक सम्मान भाई, बहुत प्रसिद्ध कवियत्री, बहुत भक्त हुए, उनका एक सवैया है, शत्रुन के घर सयन करो, शमशान के बीच लगाए ले डेरो, मत गयंदन छेर करो, भल पन्नंग के घर में कर गेरो, सिंह हकारे के धीर गहो, नृप सम्मुख बादी के न्याय न मेरो, और जान की नात सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। आप सांप के बिल में हाथ दे दो, शेर को छेड़कर वहीं खड़े हो जाओ, राजा के दरबार में जाकर उसे गाली निकाल दो, जब जान की नात तुम्हें बचाने वाला है तो तुम्हें कोई मार तो दूर तेरा हाथ भी नहीं लगा सकता, अनेक कष्ट दिए। लेकिन दोस्तों, विक्रमादित्य के हजारों करने के बावजूद भी मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा, मीरा अपनी भक्ति में तन्मय रही। लेकिन फिर मीरा ने देखा रहे कि जिनके संग से कुबुद्धि उपजे, जिनके संग ते कुबुद्धि उपजे, परत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संगत रहने से, जिनके संगते कुबुद्धि उपजे, जिनके साथ रहने से दुर्बुद्धि का विकास होता है, और परत भजन में भंग पड़ता है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो हरि से विमुख है उन लोगों के संगत त्याग देनी चाहिए। मीरा को खूब मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं मार सके, मीरा भाई इसका त्याग कर देती है। और आगे का जीवन किस प्रकार इनका चलता है वो जानेंगे हम कल के वीडियो में। अब समय हो चुका है मेरा पूरा, आपने इतना 2 घंटे तक बने रहे, मुझे प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आभार तो किस बात का, तुम अपने स्वार्थ से जुड़े हुए थे क्योंकि तुम्हें सरकारी नौकरियां चाहिए, ये मनोकामना आपकी पूरी हो। आप सबको जैसे ही आपकी परीक्षा हो, सबको मेरी असीय शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं हैं कि आपको सफलता मिले। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत। नमस्कार, राम राम सा।